एपिसोड की स्टार्टिंग में सभी के सभी लोग एमसी को देखकर काफी शॉक होते हैं। उससे कहने लगते हैं कि आखिरकार ये बंदा कितना ज्यादा शेमलेस हो सकता है, इसने टॉप फ्लोर की लाइब्रेरी में अपने पिछवाड़े का इस्तेमाल कर भी घुसा जा सकता है, तो वाकई में बहुत ऑप्शन है। आखिरकार ये बंदा घुसा तो घुसा कैसे, ये तो टॉप फ्लोर की लाइब्रेरी के लिए इंसल्ट है। और कुछ लोग इसी बारे में गहराई से सोचते हुए कहने लगते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम भी अपने पिछवाड़े का इस्तेमाल करके अंदर जा सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जाकर जल्द से जल्द कुछ पॉइंट्स की जुगाड़ करनी पड़ेगी और पूछना पड़ेगा कहीं मुझे कुछ उधार पॉइंट्स मिल सकते हैं क्या, फिर मैं भी ट्राई करूंगा अपने पिछवाड़े का यूज करके। दूसरी तरफ हमारा एमसी बिना किसी परेशानी के अंदर घुस गया और घुसने के बाद वह आसमान से नीचे की तरफ गिरते हुए दिखाया जाता और सीधे जाकर किसी बंदे के ऊपर जाकर गिर जाता, जिसको देख के बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता तो वो काफी खुश होते हुए खड़ा होता है और क्या लगता है कि वाओ, ये तो काफी सरप्राइजिंग वाली बात है कि मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। तो जिस बंदे के ऊपर गिरा हुआ था वो चिल्लाते उससे क्या लगता है कि तुम मेरे ऊपर से जल्दी जल्दी अट जा, मेरे बहुत ज्यादा दुखने में लगा हुआ है, इसलिए नहीं दुख रहा था तुम्हारे, क्योंकि तुम मेरे पिछवाड़े के ऊपर जाकर गिरे थे। बच्चे, तुमने इस ओल्ड मैन की कोई फिक्र है कि नहीं है? जब एमसी को इस बात का होश आता है कि वो किसी के ऊपर जाकर गिर चुका है तो वो भी काफी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि ओ माय, आखिरकार यहाँ पर एक और बंदा क्या कर रहा है मेरे नीचे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि तुम कोई और नहीं बल्कि मैं जुओ लिंगलांग हो? इसको देखकर ये बंदा खड़ा होता है गुस्से में और उससे क्या लगता है कि बच्चे, तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम्हें इस तरीके से आना चाहिए क्या? जब तुम नीचे आ रहे हो तो तुम्हें दिखाई नहीं देता तुम्हारे पास आंखें नहीं है? तो ये शंग अपना पिछवाड़ा दिखाते हैं, उससे कहने लगता है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि मैं अपने पिछवाड़े के दम पर आ रहा था यहाँ पे। जिसको देख के वो जियो लिंगलांग चिल्लाते उससे कहने लगता है कि जरा एक मिनट रखो, आखिरकार तुम किस तरह के वियर्ड बंदे हो, तुम कौन बंदा यहाँ पर अपने पिछवाड़े का इस्तेमाल करके पहले अंदर आता है? तभी ये शंग उससे कहने लगता है, खैर वो सब छोड़ो, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप पीक मास्टर जियो लिंगलांग हो क्या? वो क्या लगता है कि जी हाँ मैं ही हूँ। और तुम कौन हो भाई, मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता और तुम मुझे क्यों ढूंढने में लगी हुई हो? क्योंकि इस लाइब्रेरी की टॉप फ्लोर की जो रिस्ट्रिक्शन है उसे बहमूत क्लैन के द्वारा 3 साल पहले ओपन किया गया था और उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मैं एंटर किया गया था और उसके बाद से मेरे अलावा कोई भी एंटर नहीं कर सकता, तो तुम अंदर आए तो आए कैसे? ये बात सुनते हुए वो काफी जोर जोर से हंसने लगता है और उसके पास जो एवरग्रीन इमोर्टल टोकन होता है वो उसे दिखाता है और उससे क्या लगता है कि मैंने इस टोकन का इस्तेमाल किया और मैं ईविल वैली से आया हुआ हूँ और ये टोकन मुझे वहीं पर दिया गया था जो आज ये टोकन आपने उस जगह पर छोड़ा था। इसको देखकर वो काफी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि अच्छा, तो इस चीज का तुमने इस्तेमाल किया था, इसके अंदर मानना तो पड़ेगा मेरा इनिशिएट एसेंस मौजूद है और इसके अंदर साफ साफ मेरा ऑरा दिखाई दे रहा है, तो बिना किसी परेशानी के तुम टॉप फ्लोर की लाइब्रेरी पर आ सकते हो। लेकिन एक मिनट रुको, तुम आखिरकार मुझे मार्शल अंकल कहकर क्यों बुलाने में लगी हो जैसे तुमने मुझे पहली बार देखा है? तो मैं तो वाकई में बहुत हिम्मत आ चुकी है बच्चे। ये सुनकर येशंग उसकी तारीफ करते हुए उससे कहने लगता है कि जो मार्शल अंकल जो है उसके अंदर, उसको देखने के बाद मुझे उसके पास से बहुत ज्यादा किनशिप महसूस होने में लगी हुई है, जैसे मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने अपने लॉन्ग लॉस्ट फादर को देख लिया है और मेरे पास आपका दिया गया एवरग्रीन टोकन मौजूद है और मैंने इसका इस्तेमाल कर इस फ्लोर की टॉप फ्लोर की लाइब्रेरी में भी आ चुका हूँ। तो ये सीधी सीधी बात पता चलती है ना कि मैं कितना ज्यादा स्किन नहीं है, ये किस्मत है ब्रो, किस्मत। और एक और बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, एक इम्पोर्टेंट टास्क जो मुझे इस बार दिया गया था और आपको ये बताना था कि मास्टर अंकल जो आपकी अजूरे क्लाउड पीक है उसे अनेस्ट किया जा रहा है ब्लैक क्लाउड पीक मास्टर के द्वारा और जो पीक मास्टर जियांग है वो आपको जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकालना चाहती है और मैं आपको यहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी है मैंने, लेकिन मुझे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार मार्शल अंकल को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर दूं। अगर मुझे कुछ भी करने का मौका मिलता है तो मैं ये शंक कभी भी हेजिटेट नहीं करूंगा। इसकी इतनी चापलूसी सुनने के बाद ये बंदा भी काफी शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि हमारे इस पूरे के पूरे एवरग्रीन इमोर्टल सेट को ऐसा काफी समय हो चुका है जब तुम जैसा बंदा कोई शेमलेस आया हुआ है इस रिसिपल। खैर अब इसके बारे में भूल जाओ और जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो तुम अपनी अपॉर्चुनिटी को कुछ ढूंढ सकते हो। ये जो ओल्ड मैन है वो अपने काम को निपटाने के लिए यहाँ से जा रहा है और बात करें ब्लैक क्लाउड पीक अजूरा क्लाउड पीक को अनेक्स करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, तो तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास इसकी एबिलिटी नहीं है। और वो वहां से चला जाता है। पीछे से हमारा एमसी बाय बाय करता है और इससे क्या लगता है कि ठीक है मार्शल अंकल, आप जो चाहे अपना काम यहाँ पर निपटा सकते हो अब, जबकि जो जुओ लिंगलांग है वो क्रेजी बिल्कुल भी नहीं है जो कि मैंने हमेशा सोचता था सुना करता था दूसरों से। और वाकई में मैंने तो इस बार मेरी किस्मत कतई चमक चुकी है, इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली मेरे पास इस पूरे के पूरे एवरग्रीन इमोर्टल सेक्टर में मेरी खुद की बैकिंग मौजूद है, ये तो काफी ज्यादा ग्रेट है ना मेरे लिए। और तभी वो उस पूरे के पूरे जंगल को छानबीन लगता है, लेकिन उसे जब कुछ भी नहीं मिलता तो वो देखकर कहने लगता है कि तुमने मुझसे कहा था कि मुझे अपनी खुद की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी होगी, लेकिन इतने देर तक ढूंढने के बाद भी मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है सिर्फ इस ग्राउंड के अलावा, तुम किस अपॉर्चुनिटी की बात करने में लगे हुए थे? और कहा गया था मुझसे कि यहाँ पर मुझे टॉप लेवल की कल्टिवेशन टेक्निक भी मिलेगी, क्या ये सभी के सभी स्टोन तो ब्रोकन स्टोन ही मेरे लिए कल्टिवेशन टेक्निक है क्या? तभी ये शंक की नजर एक स्टील पर जाती है जिस पर कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, जिसको देखकर वो काफी सरप्राइज हो जाता है। यहाँ पर उसके मास्टर अंकल उसे बताते हैं और उससे कह लगता है कि ये वर्डलेस स्टेल है, लेजेंड्स में ऐसा कहा जाता है कि ये पूरी की पूरी स्टेल है वो हेवनली बुक के द्वारा ट्रांसफॉर्म किया गया है, लेकिन मैं 3 सालों से इसको कॉम्प्रिहेंड यानी कि समझने की कोशिश करने में लगा हुआ हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी समझ नहीं आया है इसमें जो भी लिखा है। जिसको देखकर ये शंक उससे कह लगता है कि मार्शल अंकल आखिरकार ये टॉप फ्लोर इस स्क्रिप्चर पवेलियन में ऐसा है क्या खास, और जैसा मैंने इसको सोचा था ये मेरे को बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। तो उसका मार्शल अंकल उससे कह लगता है कि तुम मुझे फॉलो करो और वह कहीं उसे ले जाने लगता है।
जैसे ही एमसी हमारा सामने कुछ देखता है तो उसका मुंह चौंक के मारा फटा का फटा रह जाता है, क्योंकि इस जगह पर एक पूरा का पूरा शहर मौजूद है। और मास्टर अंकल इसे इसके बारे में बताता और कहने लगता है कि ये जगह एक एंशियंट बैटलफील्ड है। सच सच बताऊं तो इसका नाम येलो स्प्रिंग बैटलफील्ड है। ये एक ऐसी जगह है जहां पर कई सारे फॉरेन रेसेस ने इन्वेट किया था हमारे इस वर्ल्ड को, और पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी ने उन सभी को रोकने के लिए यहां पर उनसे फाइट की थी। और हमारे स्क्रिप्चुअल पवेलियन के उस लाइब्रेरी के टॉप फ्लोर को इस जगह पर इसलिए रखा गया है ताकि वो येलो स्प्रिंग बैटलफील्ड का एक गेटवे, एक रास्ता है इधर से उधर जाने का। इसको देखकर यशंग उससे पूछने लगता है कि आखिरकार इस येलो स्प्रिंग बैटलफील्ड के अंत में जाकर क्या रखा है। लेकिन ये बात तो हमारे इस जुओ लिंगलांग को भी नहीं पती होती है, और वो कभी भी इसके पास कभी भी नहीं गया है, और क्या लगता है कि ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो येलो स्प्रिंग बैटलफील्ड है वो बहुत बड़ी है, यहाँ पर काउंटलेस एलियन मौजूद है, इस पूरे के पूरे बैटलफील्ड में दूसरे के इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक कि पूरी तरीके से इसे एक्सप्लोर करने की मेरी भी हिम्मत नहीं हुई थी इस समय के दौरान में, और इसलिए मैं कभी भी इतने डीपर नहीं गया। और ये सभी के सभी जो एलियन बीस्ट है वो इस येलो स्प्रिंग बैटलफील्ड में काफी समय से यहाँ पर रहते हुए आ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आखिरकार इससे ज्यादा पावरफुल जितने भी बीस्ट है वो इधर उधर घूमने लगे हैं, और मुझे ये भी नहीं पता है कि इस बैटलफील्ड में कितनी ज्यादा कल्टीवेटर्स को एब्जॉर्ब किया गया था उनकी डेड बॉडीज को इन बीस्ट के द्वारा, और हर एक बीस्ट यहाँ पर इंक्रेडिबली पावरफुल था और कल्टीवेटर भी। अब जबकि सारे के सारे बीस्ट यहाँ पर मौजूद है, ये इम्पॉसिबल है कि हम लोग इस येलो स्प्रिंग बैटलफील्ड को यहाँ से क्रॉस करने में कामयाब रहेंगे। ये सुनकर येशंग उससे पूछता है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉरेन रेस है वो वापस से यहाँ पर इन्वेट कर सकती है क्या। तो उसका मार्शल अंकल उसे बताने लगता है कि मुझे भी इसके बारे में पूरी तरीके से कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं अंदाजा लगाऊं तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो फ्यूचर में कमबैक जरूर करेंगे, और इसलिए मैं यहाँ पर इसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए रुका हुआ हूँ। तो येशंग उससे पूछने लगता है कि ठीक है मार्शल अंकल जी, हो क्या मैं तुमसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो पूछता है, हाँ पूछो। वैसा भी लोग कहने में लगे हुए थे कि यहाँ पर एक टॉप लेवल की कल्टीवेटर टेक्निक मौजूद है इस टॉप फ्लोर पर स्क्रिप्चर पवेलियन के, और मैंने यहाँ पर एंट्री पास लेने के लिए 5000 पॉइंट का इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन मुझे वो कल्टीवेशन टेक्निक अभी भी नहीं मिली है, वो कहाँ पर है। अगर मैं वाकई में उस कल्टीवेशन टेक्निक को हासिल नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मेरी जो 5000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट है वो पूरी तरह से वेस्ट हो जाएंगे। इसको देखकर अंकल मार्शल अंकल को काफी तो गुस्सा आती है, और इसकी फालतू की गवाह सुनते हुए उस पर चिल्लाते हुए उससे कहने लगता है कि ये शायद मैं यहाँ पर तुमसे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने में लगा हुआ हूँ, यहाँ पर इतने ज्यादा ह्यूमन कल्टीवेटर्स की लाइफ एंड डेथ का मैटर है, लेकिन तुम अभी भी इस फालतू की बकवास करने में लगी हुई हो। मैं तुम्हें शॉकिंग हिस्ट्री बताने में लगा हुआ सीक्रेट वो भी, और तुम अभी भी उन 5000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो मुझसे। इसको देखकर हमारा एमसी भी उसी का डाला उसके चेपता है, उससे कहने लगता है कि मार्शल अंकल ये सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं यहाँ पर अपने 5000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट के बारे में बात करने में लगा हूँ और तुम अभी भी मुझे ह्यूमैनिटी की पूरी पूरी इंसानियत के लाइफ एंड डेथ के बारे में बता रहे हो। और इसी का डायलॉग जब इसे चेप दिया जाता है तो ये मार्शल अंकल ये पूछते हैं शॉक और कंफ्यूज, भाई साहब कहे लगता है कि तुम तो डेफिनेटली एक जीनियस हो ब्रो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम कल्टीवेशन टेक्निक हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें उस वर्डलेस स्टील से कॉम्प्रिहेंड करनी पड़ेगी टेक्निक, भले ही तुम इसमें से कॉम्प्रिहेंड कर पाओ या ना कर पाओ, ये तुम्हारी डेस्टिनी पर डिपेंड करता है, तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है। और तभी हमारे एमसी वहां पर जाकर उसे घूरने लगता है, और उसको देखकर कहने लगता है कि तुम वाकई में मुझे इसमें से कल्टीवेशन टेक्निक खुद अपने दम पर कॉम्प्रिहेंड करने के लिए कहने में लगे हो। इसको देखकर साफ साफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये टॉप फ्लोर का लाइब्रेरी स्कैम है बस और कुछ नहीं। और कॉम्प्लिकेट करते करते उसे 3 दिन ऐसी तरीके से गुजर जाते हैं, लेकिन इस 3 दिन के दौरान उसे एक भी शब्द कुछ भी समझ नहीं आता। इसको देखकर उसका दिमाग का पारा बहुत ज्यादा चढ़ जाता है, और उससे क्या लगता है कि जो स्टील है वो बस बिल्कुल सेम की सेम रखा हुआ है इतने दिनों से, और मैंने इसमें से कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, ये तो सीधे सीधे पता चलता है कि एक स्कैम है स्कैम। तो मार्शल अंकल उसके पास आकर उससे क्या लगता है कि बच्चे ये तो नॉर्मल सी बात है कि तुम यहाँ पर इसमें से कुछ भी कॉम्प्लिकेट नहीं कर पा रहे हो, शायद ये बात तुम्हें पता नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि यहाँ पर कई सारे पीपल आए थे, इसको ट्राइड किया था कॉम्प्रिहेंड करने के बारे में, कोशिश भी की थी, लेकिन उनमें से एक भी बंदा इसे सक्सेसफुली कॉम्प्लिहेंड नहीं कर पाया, और ये तुम्हारा पीक मास्टर है वो इस जगह को छोड़कर जाने वाला है, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे। इसको सुनकर ये संग उससे कहने लगता है कि मैं जगह छोड़कर बिल्कुल भी जाने वाला, जब तक मेरे जो 5000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट है मैं इनको वापस हासिल नहीं कर लेता या फिर वसूल नहीं कर लेता, मैं जगह छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस बात को सुनने के बाद इसका मार्शल अंकल वहां से जाता है, और उससे कहने लगता है कि ठीक है तुम्हारी इच्छा जो करना है तुम करो, लेकिन मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल गया था कि एक बार तुम इस टॉप फ्लोर में किसी भी टाइम पर एंटर तो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम वाकई में से लीव करना चाहते हो तो तुम्हें कम से कम 6 मंथ तक इंतजार करना पड़ेगा, और आज के बाद जो पोर्टल है ना पोर्टल वो 6 महीने बाद खुलेगा। अगर आज के बाद ये बात सुनने के बाद येशंग काफी सरप्राइज से भर जाता है, और उसे घबराहट कारण पसीने छूटने लगते हैं, और क्या लगता है कि दूसरे शब्दों में ये हुआ कि अगर मैंने इस मैटर को छोड़ दिया और अभी मैं बाहर नहीं गया तो मुझे 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा ताकि पोर्टल से द्वारा खुल जाए। अब इस तरीके से हमारा एमसी ज्यादा समय तक यहाँ पर नहीं रुक सकता, तो वो उसे तुरंत रोकता है और कहने लगता है कि मार्शल अंकल मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। और जब वो तैयार हो जाता है तो मार्शल अंकल भी उसकी फिरकी लेता है, और उससे कहने लगता है क्या तुम तो अभी कहने में लगे हो तो कि तुम यहाँ पर तब तक नहीं जाओगे जब तक तुम 5000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट को बिल्कुल भी वसूल नहीं कर लेते, क्यों तुम्हारा सेंस तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर आ गया क्या। जिसको देखकर एमसी काफी गुस्सा आती है, उससे क्या लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैं अपने सेंसेस में इस तरीके से आ जाऊंगा अपने स्कैम करवाने के बाद 5000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट का, और ऐसा मेरी पूरी की पूरी लाइफ में पहली बार होने में लगा हो, यानी कि ये मैं ये
जब मुझे इतना ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है पूरी जिंदगी में। अब जबकि मैं ये शंग इसको यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ सकता हूँ और यहाँ पर वेस्ट होने वाला है और यहाँ से मैं कुछ भी नहीं ले जा सकता, तो मैं यहाँ पर अपना कुछ छोड़कर जाऊंगा। और उस स्टील पर लिखने लगता है कि मैं ये शंग हमेशा अपने इस ह्यूमिलेशन का बदला तुमसे जरूर लूंगा। जिसको देखकर ये बंदा काफी शॉक हो जाता है मार्शल अंकल, और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि आखिरकार ये बंदा किस तरीके के एनवायरमेंट में बड़ा हुआ है भाई, क्या ही डेवलप है इसका, इसका जो टेम्परमेंट है वो किस तरीके से डेवलप हुआ है। दूसरी तरफ ये शंग उस पर चिल्लाते हुए लिखते हुए क्या लगता है कि मैं बिल्कुल भी अपने इस नुकसान को झेलने के लिए तैयार नहीं हूँ। और मार्शल अंकल इसकी ऐसी हरकतों देखने के बाद उससे कहने लगता है कि ये बंदा वाकई में बहुत ही ज्यादा हरामी बंदा है, कितना शेमलेस है। इस बंदे की हड्डियों तक ये बात जा चुकी है कि वो कभी भी नुकसान नहीं झेलने वाला, कितना प्रेजिडेंट है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये प्रेजिडेंट है इसके अंदर वो अच्छी चीज है या फिर बुरी चीज है कल्टीवेशन पाथ के लिए, ये तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। और जैसे ही ये चंग अपने वर्ड्स कंप्लीट कर देता है तभी अचानक से वो स्टील जोर से चमके लगता है बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ। इसको देखने के बाद ये चंग और मार्शल अंकल दोनों ही काफी शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि जो वर्डलेस स्टील है वो वाकई में इसके शब्दों पर रिएक्ट करने में लगा है। और वहां पर और भी ज्यादा जो एनर्जी है वो गायब होने लगती है वहां से, और जितने भी वर्ड्स होते हैं वो वहां से एक पहली पोजीशन में निकल लेते हैं। इसको देख कर यशंग काफी सरप्राइज से भर जाता है और कहने लगता है कि यहाँ पर इतने भी वर्ड्स थे इस वर्डलेस स्टील पर, वो अचानक से ये क्या हो गया, बड़े वाले वर्ड्स गायब होने के बाद यहाँ पर एक नए वर्ड्स आ चुके हैं। और अचानक से उस वर्ड्स में कुछ होने लगता है, हलचल होने लगती है और वो उस स्टील से वहां से उठने लगते हैं। इसको देखकर वो काफी सरप्राइज हो जाता है क्योंकि सारे के सारे जितने भी वर्ड्स हैं वो हमारे एमसी के दिमाग में जाने लगते हैं और फुल रफ्तार में उसकी खोपड़ी में घुस जाते हैं। जिसको देखकर वो सरप्राइज होते हुए चिल्लाते हुए क्या लगता है कि ये सब क्या होने में लगा हुआ, मेरा सर बहुत ज्यादा जोर से दुख रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। मार्शल अंकल आकर जो वर्ड्स थे वो मेरी बॉडी के अंदर क्यों घुस चुके हैं सके थे और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कैसा पॉसिबल हो सकता है कि मैंने यहाँ पर अपनी जो कल्टीवेशन टेक्निक है वो इस टॉप फ्लोर की स्पिरिचुअल लाइब्रेरी से हासिल कर ली है। इसको देखकर वो काफी खुश होता है और उससे क्या लगता है कि ये काफी, हाँ तो मैंने बिल्कुल सही कहा, और ये कुछ और नहीं बल्कि मैं एक यूनिक टेक्निक है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक समय पर एक ही बंदे को पास डाउन की जा सकती है। मुझे मानना पड़ेगा लिटिल रास्कल कहीं के, तुम्हारी किस्मत तो वाकई में बहुत अच्छी है। जिसको देखकर ये चंग उससे कहने लगता है कि मार्शल अंकल जी बिल्कुल भी सही नहीं है, आपको तो मेरी तारीफ करनी चाहिए, आपको तो पता होगा कि मैं ये चंग पजेस करता हूँ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट को, जहाँ तक कि जो वर्ल्ड स्टील है उसने भी मेरे सामने सबमिट कर दिया और मैं एक नंबर का जीनियस हूँ। इस बात को सुनने के बाद मार्शल अंकल उससे कहने लगता है कि तुम डेफिनेटली एक जीनियस हो लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेमलेस काइंड में। तो ये चंग उससे पूछने लगता है कि मार्शल अंकल कि आखिरकार जो यूनिक टेक्निक है वो क्या होती है, क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई टॉप टायर टेक्निक है क्या। तो उसका मार्शल अंकल एक्सप्लेन करते हुए उससे कहने लगता है कि जो यूनिक टेक्निक है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन को एक ही बार में ट्रांसफर की जाती है और उसकी जो रिक्वायरिंग स्पेशल क्वालिफिकेशन होती है ट्रांसफर करने के लिए या फिर उसके जो कल्टीवेट करने की मेथड होती है, ये सभी की सभी जो टेक्निक है वो उसके लिए बुरी भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है, रिथिस भी हो सकती है, इविल भी हो सकती है। और यहाँ पर कई सारी लो लेवल डिमोनिक आर्ट से लेकर हाई लेवल डिवाइन टेक्निक तक मौजूद है। और बात करें तुम्हारे बारे में कि आखिरकार तुमने क्या ऑब्टेन किया है, ये तो तुम्हें खुद कॉम्प्रिहेंड करके और कल्टीवेट करके पता चलेगा। तभी हमें बाहर के लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ये सभी के सभी लोग बात करते हुए फेंग उससे कहने लगता है कि जियांग यूनफेंग मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम्हें रुक जाना चाहिए, जो बच्चा अभी अभी एंटर किया था इस टॉप फ्लोर की स्क्रिप्चर लाइब्रेरी में वो उसकी बस किस्मत अच्छी रह गई होगी, क्या पता इसमें घुसने के बाद वो जमीन पर गिरकर उसका सड़ फूट गया होगा और वो कभी भी फ्यूचर में यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा और शायद मर भी गया होगा। आखिरकार जो पीक मास्टर जुओ है उन्हें आए हुए काफी इयर्स जो गुजर चुके हैं, जिसको देखकर सीनियर ब्रदर जियांग गुस्सा करने लगता है उस पर और इससे कहने लगता है कि पांग गुआंग इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं यहाँ पर इंतजार करूँ या नहीं करूँ तुम्हारा क्या लेना देना, इससे निकल पहली फुर्सत में चल बैठते हैं। अगर तुम्हारे पास वाकई में इतना ज्यादा फ्री टाइम है तुम आखिरकार मेरे साथ पंगे क्यों नहीं लेते हो, मुझसे फाइट क्यों नहीं करते हो, इस पर कर हम पता लगा सकते हैं कौन पावरफुल है, फिर मैं तुम्हें इतनी बुरी तरीके से पीट दूंगी तुम्हारी अम्मा भी ना पहचान पाएगी तुम्हें। लेकिन पांग गुआंग यहाँ पर हंसने लगता है और उससे क्या लगता है कि जियांग यूनफेंग मुझे वाकई में तुम्हारा जो गुस्सा वाला चेहरा है ना उसको देखकर काफी अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं सच सच बताऊं तो मैं जो पीक मास्टर है ब्लैक क्लाउड पीक के वो जल्दी यहाँ पर अजूरा क्लाउड पीक के पूरी तरीके से आज अनेक्स करने वाले हैं, ऑब्जर्व करने वाले हैं। और इतना कहते कहते उसके पिछवाड़े से पीछे का जो स्टील है वो चमकने लगता है। अभी तक इसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि पीछे से कोई निकलने में लगा हुआ है और वो कहने लगता है कि आज से और अभी से जो अजूरा क्लाउड पीक है वो उसका जो नाम है वो वापस से रीनेम होकर ब्लैक क्लाउड पीक हो जाएगी। दूसरी तरफ हमारा एमसी और वो एल्डर जू वहां से बाहर निकल पड़ते हैं, पीक मास्टर जू। जब हमारा एमसी यानी कि येशंग बाहर निकलता है तो वो एक बार फिर से उसके ऊपर जाकर गिर जाता है। दूसरी तरफ सीनियर ब्रदर जियांग उसको देखकर काफी खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि पीक मास्टर जू बाहर आ गया और येशंग काफी खुश होते हुए कहने लगता है कि अच्छी बात है जब मैं अंदर गया था तब भी मुझे नहीं दुखा और बाहर आ जाऊं तब भी मुझे नहीं दुख रहा। तब पेंगंग पीछे चिल्लाता है और उससे कहने लगता है कि तुम मेरे पीछे से हट जाओ भाई, मेरी जो पिछवाड़ा है तुमने मेरी जो कमर है पूरी तरीके से तोड़ दी है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो मेरी कमर तोड़ के। और किसी तरीके से वहां पर हमारा एमसी उठने के बाद वो उठने की कोशिश तो करता है लेकिन उसके पिछवाड़े की बैंड बज जाती है। दूसरी तरफ जो सीनियर ब्रदर जियांग है उससे कहने लगता है कि पीक मास्टर जू जो ब्लैक क्लाउड पीक है
वो आपके अजूरा क्लाउड पीक को जल्दी अनेक्स्ट करने वाली है, ऑब्जर्व करने वाली है। तो पीक मास्टर जी को प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्द से जल्द वापस चलिए। वापस चलने के बाद आप अपनी सिचुएशन को टेक आई मीन चार्ज कीजिए, इसके इंचार्ज बन जाइए और सिचुएशन को संभालिए। लेकिन जो पीक मास्टर जुओ लिंगलान है वो पागलों जैसी हरकतें करना चालू कर देता है, और क्या लगता है ये तो काफी मजेदार है, काफी मजेदार है कि जो अजूरा क्लाउड पीक है, जो ब्लैक क्लाउड पीक है, एक दूसरे के साथ फाइट करने में लगे हुए हैं, मुझे भी फाइट करनी है। इसके इस तरीके के बिहेवियर को देखने के बाद ये बंदा पूरी तरह से सफरात और शौक से भर जाता है, और ये शंग जब इसे देखता है तो वो काफी सफरात होता है, मन में सोचते हुए क्या लगता है यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। क्योंकि जो पीक मास्टर जुओ है वो वापस से बाहर आने के बाद पागलों जैसे बनने की एक्टिंग क्यों करने में लगे हैं, अब हमें चलना चाहिए, अब हमें चलना चाहिए, वो चिल्लाते चिल्लाते वहां से चला जाता है। और क्या लगता है कि अगर हम लोग जीत जाएंगे तो हमें यहाँ पर कैंटी मिलेगी। इसको देखकर सीनियर ब्रदर जियांग काफी उदास होता है, और क्या लगता है कि किस्मत कितनी खराब है, पीक मास्टर जू अभी भी इस तरीके से क्रेजी एक्टिंग करने में लगे हुए हैं और बिना इंप्रूवमेंट के साइन के। और अगर सिचुएशन इस तरीके से चलती रही तो क्या होगा, कम से कम 1000 साल की जो हेरिटेज है अजूरा क्लाउड पीक की, वो वाकई में आज और अभी से उसे एवरग्रीन इमोर्टल सेट से एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा क्या। दूसरी तरफ हमारा एमसी वापस से अपने एल्केमी हॉल में पहुंच जाता है अपनी प्रैक्टिस करने के बाद और टेक्निक हासिल करने के बाद, तो उसके सीनियर ब्रदर से पूछने लगते हैं कि लिटिल जूनियर ब्रदर तुम वापस से फाइनली वापस आ चुके हो। तो फैटी उससे पूछता है, लिटिल जूनियर ब्रदर तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने वाकई में अपना वजन गवा दिया है, कम कर दिया है कुछ दिनों के दौरान। लिटिल जूनियर ब्रदर क्या तुम्हारी जो कल्टीवेशन टेक्निक है तुम्हें वो मिल गई तो तुम चाहते थे। तभी वो उससे कहने लगता है कि तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी चिंता करने के लिए सीनियर ब्रदर, मैं ये शेंग हमेशा फॉर्चुनेट रहा हूँ, हमारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी रही है और मैं टॉप फ्लोर स्क्रिप्चर लाइब्रेरी के पहुंचने में कामयाब रहा और वहाँ के जो ओनली हेवनली बुक है ना टॉप फ्लोर की, वो मैंने ऑप्टेंट कर ली है। इसको देखकर उसका सीनियर ब्रदर काफी खुश हो जाता है और उससे कहने लगता है कि टॉप फ्लोर की स्क्रिप्चर लाइब्रेरी के अंदर, तो उसके अंदर लिटिल जूनियर ब्रदर तुम तो वाकई में बहुत अमेजिंग हो, तुम अभी भी हमारे इस एल्केमी हॉल के चार्म हो। यहाँ पर हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहने में लगा होता कि मेरे कितने सभी के सभी सीनियर ब्रदर कितने काइंड है मुझको लेकर। तो फैटी उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हारे इस जीत की खुशी में हम सेलिब्रेट करने वाले हैं, चलो हम लोग अंदर जाकर ड्रिंक करते हैं और आराम से एंजॉय करते हैं। और जब ये अंदर करने के लिए जा ही रहा होता है तभी वहां पर किसी की एनर्जी का आने का इंतजार दिखाई देती है। इसको देखकर वो सरप्राइज होता है और कहने लगता है कि ये क्या चीज है, और ये जंग भी पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है इसको देखकर। यहाँ पर एक बंदा अपनी स्वॉर्ड पर उड़ते हुए आते अनाउंस करता है कि तुम सभी के सभी यहाँ पर अटेंशन दो, सभी के सभी डिसिपल्स एल्केमी डिवीजन के, जो आउटर डिसिपल प्रमोशन है वो कंपटीशन होने वाला है और इसे हर 3 साल में हेल्ड किया जाता है और ये 3 दिन बाद कंप्लीट स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पर जितने भी डिसिपल है वो अपनी तैयारियों को चालू कर सकते हैं। और बात करें आउटर डिसिपल के एग्जामिनेशन के बारे में, जो लोग उसे पास कर देंगे वो डिसिपल बन जाएंगे कि उस माउंटेन पीक में किसी के भी पीक के मास्टर के, और आज से और अभी से तुम लोग एक अपने कल्टीवेशन के और इमोर्टलिटी के पाथ पर कदम रखोगे। लेकिन ये बात सुनने के बाद फैटी उससे क्या लगता है कि अगर ऐसी बात है तो जो आउटर डिसिपल के जो कंपटीशन है तुम इसके बारे में हमें तो बता रहे हो, मुझे लगा था कि यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी। तभी दूसरा सीनियर उससे कहने लगता है कि अब हमें वापस चलना चाहिए ड्रिंक करने के लिए, आखिरकार हमें आउटर डिसिप्लिन के कंप्यूटर से हमारा अकेले नहीं देना, मैं तो वाकई में इस एल्केमी डिवीजन के लीडर बनने के लिए ही ठीक हूँ पूरी पूरी जिंदगी भर। ये सुनने के बाद वो पूरी तरीके से कंफ्यूज जाता है और वो लोग जहाँ से जाने लगते हैं तो अनाउंस करने वाले बंदा उससे पूछने लगता है, हे जूनियर ब्रदर मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पीक मास्टर जियांग है उन्होंने हमसे कहा था कि उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार जो लेबर डिसिपल्स है उनके बारे में, लेकिन इस बार तुम्हारे जो एल्केमी डिवीजन है ना, या तो उसमें से सभी के सभी एल्केमी डिवीजन के डिसिपल फोर्सफुली प्रमोट किए जाएंगे आउटर डिसिपल सेक्ट में, और उनमें से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 स्टूडेंट की है जो कि आउटर डिसिपल बनना कंपलसरी है उनका। ये बात सुनने के बाद वो सभी के सभी लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और फैटी चिल्लाते उससे क्या लगता है कि आखिरकार ये किस तरीके का लॉजिक है, हम नहीं चूज करना चाहते आउटर डिसिपल बनने के लिए यहाँ पर, हमारी इच्छा के बारे में भी कुछ भी नहीं बचा, मेरे फ्यूचर में मेरे पास किसी भी तरह की कोई भी एम्बिशन नहीं है और मैं इस एल्केमी डिवीजन के लेबर के तौर पर काम करना चाहता हूँ, मैंने किसे ऑफेंड कर दिया था, मैं ये जगह छोड़कर भी नहीं जा सकता क्या, और मैं शांति से अपनी जिंदगी भी नहीं गुजार सकता, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या हमारा जो एल्केमी डिवीजन है उसे भूल करना इतना आसान है क्या। ये बात सुनकर ये बंदा पूरी तरह से कंफ्यूज होते हैं, मन में सोचते हुए क्या लगता है कि सभी के सभी लोग जो लेबर डिसिपल्स है वो आउटर डिसिपल बनना चाहते हैं और वे उनका सपना है, लेकिन बस इस एल्केमी डिसिपल को सभी एल्केमी रूम के डिसिपल को छोड़ के यही एक एक्सेप्शन है जो कि आउटर डिसिपल नहीं बनना चाहते हैं। इनको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि हमने इनकी जिंदगी मांग ली हो, और सभी के सभी लोग सेलिब्रेट करने के लिए अपना खाना पीना चालू करते हैं। तो सीनियर ब्रदर से पूछने लगता है कि ब्रदर इसको देखकर लगता है कि जो हायर अप्स हैं इस बार सीरियस हो चुके हैं इस बार हमारा प्रमोट करने के लिए। तभी फैटी उससे कहने लगता है कि वे सभी के सभी लोग हमें डिमोट करना चाहते हैं, हमारी जो एल्केमी डिवीजन के डिसिपल्स हैं उन्हें आउटर सेक्ट डिसिपल्स में, जो चीजें हैं वो आप जहां तक पहुंच चुकी है तो हमारे पास कोई भी चारा नहीं बचता, लगता है कि अब हमें गैम्बल लेना पड़ेगा। जिसको देखकर वो काफी सफरात हो जाता है एमसी और उससे पूछ लगता है कि तुम किस गैम्बल की बात कर रहे हो। तो फैटी सभी के सभी लोगों को ले जाकर ले जाता है अपने साथ एक रूम के पास और वहां दिखाकर सभी से कहने लगता है कि ब्रदर तुम जहाँ पर इतना चाहे उतना खा सकते हो, जिससे पहले कि हम लोग आउटर डिसिपल बन जाए उसके उससे पहले हम जितना ज्यादा हो सके यहाँ पर इतने ज्यादा मेडिसिन हर्ब्स को खा लेते हैं और हम तब तक खाएंगे जब तक हम पूरी तरीके से बेहोश नहीं जाते खा खा के। और एमसी से पूछने लगता है कि आखिरकार तुम कैसे कर रहे हो लिटिल ब्रदर, क्या तुम्हें यहाँ पर इस बात का प्रेशर महसूस हो रहा है। तो एमसी उसे कहने लगता है कि थोड़ा बहुत तो जरूर होने में लगा हुआ है, मेनली देखा जाए तो खाना खाने के बाद मैं पूरी तरीके से फुल हूँ, लेकिन तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं इस ट्रायल को क्रॉस जरूर करूंगा। और तभी अनाउंस कर देता है कि चलो हम लोग अपनी पार्टी चालू करते हैं।
और उन स्पिरिचुअल हब्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी फेडे की बारी आती है। सबसे पहले तो वो अपना मुंह खाल कर आसपास की जितनी भी स्पिरिचुअल हब्स होती है वो अपने पेट में एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है एक साथ, वो भी जिसके कारण इसका पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है। और जब ये चंग इसको देखता है तो उसकी मुंह फटाक फटा रहता है शौक के मारे और कहने लगता है, वाओ सीनियर ब्रदर जी दुआ कौन, तुम्हारे पास इस तरीके की ट्रिक्स अभी भी मौजूद है तुम्हारे पास, मुझे नहीं पता था। तभी उसका दूसरा सीनियर ब्रदर आता है, उससे कहने लगता है जरा तुम अब मुझे देखो। तो उसका दूसरा वाला सीनियर ब्रदर भी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर अपने चारों तरफ सभी के सभी जितनी हब्स हो सके उतना ज्यादा हब्स को अपने चारों तरफ डालने लगता है और अपने आप को एक बॉल में कैद कर लेता है और वहां पर एक एनर्जी की बॉल बन जाती है। इसको देखकर एमसी पूछने लगता है कि सीनियर ब्रदर दा कौन, तो सीनियर ब्रदर जाओ चेन, आखिरकार ये क्या चीज है। तो फैटी उसे एक्सप्लेन करते हैं, उससे कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये हुआंग ज़ियाओजिन की सीक्रेट टेक्निक है और इस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने के बाद वो एक किसी एग की तरह, किसी अंडे की तरह हैच करेगा और उसके बाद इसका जो एक्सेल है जो कि स्प्रिट हब्स के द्वारा फॉर्म किया गया है उसकी सारी की सारी जो एनर्जी है उसे ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब तुम्हें भी इंतजार नहीं करना चाहिए दुनिया ब्रदर, जल्दी करो और जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा स्पिरिचुअल हब्स को खाना चालू कर दो, तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। इसको सुनने के बाद ये काफी सरप्राइज से खुश हो जाता है और मन में सोचते हुए क्या लगता है कि जो डिसिपल्स होते हैं जो एल्केमी हॉल के वो वाकई में ट्रूली ऑल टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं, उनकी जितने भी शब्द सुनकर मुझे काफी ज्यादा संतुष्टि मिलती है, मैं वाकई में जगह छोड़कर नहीं जाना चाहता। और फाइनली ये भी खाने के लिए तैयार हो जाता है, सभी के सभी स्पिरिचुअल हब्स के सामने बैठ जाता है और हाथ में पकड़कर मन में सोचते हुए क्या लगता है कि जरा एक मिनट रुको, मेरे पास कुछ भी एबिलिटीज नहीं है सीनियर ब्रदर जी डुआकन और हुआंग ज़ियाओजिन की तरह, लगता है कि अब कोई ऑप्शन नहीं बचा मेरे पास, मेरे पास नॉर्मल तरीके से खाना होगा और इन 3 दिन के दौरान मैं देखता हूँ कि मैं कितना खा सकता हूँ। खैर भूल जाओ इसके बारे में, सबसे पहले तो जो हेवनली बुक कल्टीवेशन टेक्निक है एब्जॉर्ब करनी करी थी मैंने उस टॉप फ्लोर की लाइब्रेरी से, मैं इसके बारे में देखता हूँ। और जब वह कॉन्सेंट्रेशन करने लगता है उस टेक्निक पर तो वो अपने आप को एक अजीब जगह पर देख पाता है, इसको देखकर वो पूरी तरह से कंफ्यूज शॉक और पूरी तरह से पकड़ा जाता है और इधर उधर देखता है और कहने लगता है कि आखिर ये कौन सी जगह है। तो उसे उसके सामने एक शब्द लिखा हुआ दिखाई देता है और शब्द का मतलब होता है एस्केप, जिसको देखकर वो कंफ्यूज होता है और पूछने लगता है कि आखिरकार यह क्या चीज है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि वर्डलेस स्टेल कल्टीवेशन टेक्निक जो मेरे बॉडी के अंदर एंटर की गई थी उसने 9 वर्ड्स को फॉर्म कर लिया है और इस वक्त मेरी कल्टीवेशन लेवल कम होने के कारण मैं सिर्फ और सिर्फ कुछ ही वर्ड्स को यहाँ पर देख सकता हूँ। ये मुझसे कहने में लगा हुआ है कि ये जो वर्ड्स हैं मैं इन वर्ड्स को कल्टीवेट करूं, लेकिन परेशानी वाली बात तो यह है कि कल्टीवेट करने के लिए इन वर्ड्स को मैं करूं तो करूं क्या, ये मुझे कहने में लगा हुआ है एस्केप करने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट से ही। ये जो कल्टीवेशन टेक्निक है वो कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई मेरे लिए। तभी अचानक से उसके अंदर कुछ होने लगता है और उसका जो बरियल कल्ड्रन है वो वापस से ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है, जिसको देखकर वो पूरे कंफ्यूजन शॉक से भर जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार तुम ये सब क्या कर रहे हो अपने आप। और तभी जो उसका जो वर्ड होता है एस्केप वाला वो बरियल कल्ड्रन उसे एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है, जिसको देखकर ये चंग और भी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो वर्ड एस्केप है वो इससे रिलेटेड है और सारी की सारी चीजों को एब्जॉर्ब करने के बाद उसके में से अजीब तरीके की एनर्जी निकलने लगती है। इसको देखने के बाद ये चंग और भी सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि हे बरियल कल्ड्रन, अगर जो मेरी कल्टीवेशन टेक्निक है तुमने एब्जॉर्ब कर लिया, जल्दी से उसे बाहर निकालो। लेकिन ऐसा सुनने के बाद उस बरियल कल्ड्रन की और भी सटक जाती है और उसकी एनर्जी लेवल भी धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है, जिसको देखकर वो कंफ्यूज होते हैं, कहने लगता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। लेकिन पता चलता है कि जो बरियल कल्ड्रन है उसके आसपास जितनी भी स्पिरिचुअल हब्स होती हैं वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, जिसको देखकर वो शॉक हो जाता है और क्या लगता है कि जो स्पिरिट हब्स हैं उन्हें एब्जॉर्ब किया जा रहा है इस बरियल कल्ड्रन के द्वारा और उसकी रफ्तार धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और आसपास के पूरे रूम में जितनी भी मेडिकल हब्स होती हैं वो उन्हें बिना किसी परेशानी के एब्जॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद ये शंख चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं करता और पूछने लगता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, और इतना सब कांड करने के बाद भी उसकी एनर्जी लेवल खत्म नहीं होती और वो बढ़ती ही जाती है और उसके एब्जॉर्ब करने की जो रफ्तार है वो भी बढ़ जाती है और फिर बाकी बातचीत जो दूर दूर की मेडिसिनल हब्स होती है वो उन्हें भी एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। इसको देखकर वो कंफ्यूज होते क्या लगता है किसने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया और मैं से एक सीनियर ब्रदर अपना स्पिरिचुअल हब्स को अपने मुंह में लेने ही वाला था, लेकिन अचानक से उसका मशरूम उससे गायब हो जाता है, जिसको देखकर वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और सारी की सारी जो मेडिकल हब्स होती है वो जो बरियल कल्ड्रन है वो उन्हें एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। इसको देखकर ये पूरी तरह से कंफ्यूज होता है और यशंक को भी समझ नहीं आ रहा कि ये पर सब क्या चलने में लगा और चिल्लाते हुए लगता है कि शिट हम लोग फिनिश्ड हो गए, जो ब्रोकन कल्ड्रन है उसके जो एपिटाइट है वो काफी ज्यादा बिल्ड हो चुका है, अब मुझे ये मत कहना कि ये पूरे के पूरे एल्केमी वेयर हाउस को ऑब्जर्व करने वाला है। तो तभी उसका सीनियर ब्रदर उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर तो मुझे पहले ये बताओ कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है, जिसको देखकर वो काफी सरप्राइज होता है और बढ़ जाता है। सीनियर ब्रदर मुझे भी कुछ नहीं समझ आ रहा कि क्या चल रहा है, क्योंकि जो बरियल कल्ड्रन है वो पूरी तरीके से उसका दिमाग फिर चुका है, वो मेरी बात तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और तभी वहां पर एनर्जी लेवल और भी बढ़ जाता है और कुछ इंपॉर्टेंट हब्स होती है जो बक्से में बंद थी वो उन्हें भी एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है, जिसको देखकर वो शॉक होते चिल्लाते हैं कि शिट वह सभी के सभी स्प्रिट स्नेक ग्रासेस है जो कि पीक मास्टर ज़ियांग के द्वारा स्टोर की गई थी, चाहे कुछ भी हो जाए सब कुछ एब्जॉर्ब करने के बाद में इसे एब्जॉर्ब नहीं करने दे सकता। और उन सभी हब्स को बचाने के लिए वो जल्द से जल्द उन्हें के उस बॉक्स के ऊपर बैठ जाता है, जैसे कि वो बॉक्स ना खुले
और सभी से कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर्स जो ट्रेजर है वो सभी के सभी जो बॉक्सेस है वो कलेक्ट किए गए थे कई सारे वेरियस पीक मास्टर्स के द्वारा। तो चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग इन्हें बिल्कुल भी नहीं खो सकते, लॉस कर सकते, तो मैं इतना ज्यादा पॉसिबल हो सके सभी के सभी बॉक्सेस को पका कर रखना होगा। लेकिन वो कल्टर यहाँ पर मानता नहीं है और वो अपनी हरामीपंथी दिखाते हुए अपने लेवल को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसको देखकर वो और भी शॉक हो जाता है ऐसा, और कहने लगता है कि शिट मैं ज्यादा देर तक नहीं संभाल पा रहा हूँ। और जिस बॉक्स पर वो बैठा वो बॉक्स के अंदर को तोड़कर वो सर के सर स्पिरिचुअल हब्स बाहर निकल पड़ती है और सीधे जाकर वो कल्टर बिना किसी परेशानी के उन्हें एक ही झटके में एब्जॉर्ब कर देता सभी को। और एब्जॉर्ब करने के बाद उस बरेल कल्टर की लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाती है, उसकी एनर्जी पावर और बढ़ जाती है। और चाहे इतना सभी के सभी लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन कोई भी रोक नहीं पाता और वो सभी के सभी उन हब्स को भी एब्जॉर्ब कर जाता है, जिसको देखकर उसका सीनियर ब्रदर चिल्लाते उससे कहता है खत्म, ये तो सब कुछ खत्म हो गया। ना कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी स्पिरिचुअल हब्स को और मेडिसिन को डेव्यूट कर लिया जा चुका है इस कल्टरन के द्वारा, यहाँ तक कि जो प्रीसियस हब्स थी जो कि कलेक्ट की गई थी कई सारे पीक मास्टर्स के द्वारा वह भी सभी लोग इसने ऑब्जर्व कर लिए। अब हमें क्या करना चाहिए? तभी अचानक से इतना सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद उसमें से और एनर्जी निकलने लगती है और वो एनर्जी ये शंख की तरफ बढ़ने लगती है, इसको देखकर वो कंफ्यूज होता है और जिस वर्ड को इसने एब्जॉर्ब किया था उस वर्ड को रिफाइन करने के बाद वो एमसी के दिमाग में वापस से फेंक देता है। इसको देखकर वो और भी शॉक हो जाता है और उससे कहने लगता है कि वाह 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 ये तो वापस आ गया, और उसके दिमाग में वो फुल रफ्तार से घुस जाता है। इसको देखकर वो काफी कंफ्यूज और सरप्राइज होता है क्योंकि एक कल्टीवेशन टेक्निक बिना किसी परेशानी के हमारा एमसी ने उस वर्ड को रिफाइन भी कर लिया। इसको देखकर वो काफी सरप्राइज हो जाता है और रिफाइन करने के बाद वो वापस से उसी प्लेस पर आ जाता है और क्या लगता है कि ये वर्ड जो एस्केप है इसने पूरे के पूरे रूम की स्पिरिचुअल हब को एल्केमी रूम के एब्जॉर्ब कर लिया है और अब ये ह्यूमन फॉर्म लेने वाला है। तभी पीछे से किसी की आवाज आती है और पता चलता है कि इस वर्ड ने तो एक बड़ऊ का रूप ले लिया है, और जिसको देखकर वो काफी सरप्राइज होते हैं। उससे कहने लगता है ओल्ड इमोर्टल तुम कौन हो भाई, क्या तुम ये वही वर्ड हो जो मैं सोच रहा हूँ? तभी ये बड़ऊ उससे कहने लगता है कि भले ही मेरी पूरी की पूरी जिंदगी में मैं काफी ज्यादा क्वेश्चन और काफी ज्यादा डिस्क्रीट रहा हूँ और हमेशा कॉमन सेंस के अगेंस्ट में एक्टिंग करता हूँ, मुझे लगा था कि जो रिट्रीट करना इससे एडवांस करने से पहले और बैटल स्टार्ट होने से पहले पहली फुर्सत में निकल लेना अपने आप को बचाने के लिए गलत नहीं है। अगर मैं डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को अवॉइड कर सकता हूँ तो मैं इनडायरेक्टली तरीके को अपनाऊंगा और मैं कब हमेशा एम्बुश करता हूँ और कभी भी एक्सपोज नहीं करता अपने आप को, और इसलिए पूरे के पूरे जो तो वर्ल्ड है वो मुझे कोई और नहीं बल्कि मैं परवर्टेड सेलेस्टियल नाम से जानता है। इसको सुनने के बाद ये चंग और भी घबरा जाता है और उससे कहता है कि परवर्टेड सेलेस्टियल? तो वो बड़ऊ अपने ही तारीफ करते हुए उससे कहने लगता है कि लेकिन अभी की जो वर्ल्ड है जो ऑर्डिनरी लोगों से भरा हुआ है वो आखिरकार मेरे इस ग्रेट पाथ को कैसे समझेंगे? तो मैं पता है कि आखिरकार मैंने कितने ज्यादा सालों तक इंतजार किया है तुम जैसे बंदे को ढूंढने के लिए, और फाइनली मैंने एक ऐसे बंदे को देख लिया है जो कि मेरे पास से बिल्कुल अलाइन करता है और मेरे लाइफ के पाथ की जो ट्रू मीनिंग है जो कि मैंने इन 9 वर्ड्स में कंडेंस कर दिए इससे पहले, तो मैं इन्हें कल्टीवेट करना होगा और प्लीज मुझे डिस्क्रेस मत करना। इसको देखकर ये शंख कंफ्यूज होते हैं, उससे पूछने लगता है कि परवर्टेड सेलेस्टियल? इस नाम को सुनकर ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी इंप्रेसिव नहीं है, क्या मुझे वाकई में इसे कल्टीवेट करने के लिए चूज करना चाहिए? जिसको देखकर वो बड़ऊ उससे कहने लगता है कि एक बार तुम पायलट शिप पर चढ़ जाओगे तो मैं वाकई में ऐसा लगता है कि तुम उससे निकलने में कामयाब रहोगे और मेरी परवर्टेड लाइनेज की ऑलरेडी सक्सेसर मिल चुका है और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ इस बात को सुनकर। जिससे पहले कि मैं जगह को छोड़कर चला जाऊं मैं तुम्हें अपनी जितनी भी 6 वर्ड की जो सच्चाई या ट्रूथ है वो मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूँ और उसके बाद तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो पूरी पूरी जिंदगी भर और वो सभी के सभी वर्ड तुम्हें जिंदगी भर सर्व करेंगे तो चाहे कुछ भी हो जाए मेरे सभी के सभी शब्दों को ध्यान से सुनना। तो ये शंख उससे क्या लगता है कि ठीक है कहो तुम्हें जो कहना है? तो बड़ऊ उससे क्या लगता है कि कल्टीवेट करना होगा तो मैं डिस्क्रीटली और कभी भी रेकलेस मत होना, और जो 6 वर्ड्स मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो मेरे ग्रेट वे के एसेंस है तो तुम्हें हमेशा याद रखना होगा उसे, और जो सारी सारी नॉलेज लेता है तो पूरा पूरा चूर चूर हो जाता है टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो उसके दिल के। और तभी बड़ऊ जाते जाते कहने लगता है कि ठीक है मैंने जो भी कहना था मैंने तुमसे कह दिया है और मेरी जो सोल की आखिरी विश थी वो वहां से गायब होने वाली है, मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में आखिरकार हम मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे और कब मिलेंगे, तो हमेशा याद रखना कि तुम्हें हमेशा लोग ही बनकर रहना होगा और अपने आप को डेवलप करना होगा। आखिरकार इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में जब वो ट्रू बैटल हुई थी उस समय मैंने कई सारे लोगों को ऑफेंड कर दिया था उस समय के दौरान, और इतनी बातें चली रही होती है तभी फैटी उसके पास आकर उससे कहने लगता है कि हे लिटिल जूनियर ब्रदर तुम अभी भी यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, अब हमें अपना सामान पैक कर यहाँ से पहली फुर्सत में निकल लेना चाहिए। और तभी ये शंख को होश आता है और उससे पूछने लगता है कि सीनियर ब्रदर आखिरकार तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो उसका सीनियर ब्रदर उससे कहने लगता है कि हम लोग यहाँ से भागने वाले हैं। हाँ तो मैं तो पता ही होगा कि हमने कितने बड़ा डिजास्टर कॉज कर दिया यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ से निकल लेंगे पहली फुर्सत में तो ही हमारा अच्छा रहेगा, हमने इस पूरे पूरे एल्केमी में हमें कुछ भी नहीं छुड़ाया सिर्फ धूल के अलावा, और अगर उन पीक के सभी एल्डर्स के बारे में पता चल गया तो तुम्हें पता है वो कितने फ्यूरियस हो जाएंगे, तो इससे पहले कि उन्हें पता चले हम निकल लेते पहली फुर्सत में। जिसको देखकर वो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ भाग के? तो वो फैटी उससे कहने लगता है कि अब जबकि हम एल्केमी रूम में वापस से नहीं आ सकते यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो है आउटर डिसिपल की एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट करना, अगर हम किसी भी पीक के डिसिपल बन जाते हैं तो हमारे पास खुद की बैकिंग होगी और हम लोग इस एवरग्रीन इमोर्टल सेक्ट में स्टे कर सकते हैं रुक सकते हैं।
ये बात सुनकर येचंग उससे पूछने लगता है कि आखिरकार हम लोग कौन सी पिक को चुनने वाले हैं एग्जामिनेशन के दौरान। तो फैटी उससे पूछता है कि ये भी एक परेशानी वाली बात है, मानना पड़ेगा। करंटली देखा जाए तो सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल है कुछ और नहीं बल्कि ब्लैक क्लाउड पीक है। इन्होंने ऑलमोस्ट अजूरे क्लाउड पीक को पूरी तरीके से कुछ दिन पहले एब्जॉर्ब कर लिया होता अगर ये वाकई में सडन रिटर्न नहीं करते। जो इनसेंट पीक मार्चर है जो है वो क्रिटिकल मूवमेंट पर वापस नहीं आते ना, तो उनकी तो बच जाती। और उसके बाद जो ब्लैक क्लाउड पीक है वो एक ऐसी फोर्स बन जाती है जिसके बाद खुद के दो माउंटेन्स पीक हैं। ये बात सुनकर दूसरा सीनियर ब्रदर से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि जो वॉयलेट क्लाउड पीक है वो हमारे लिए काफी अच्छी चॉइस रहेगी, क्योंकि तो मैंने सुना है कि जो पीक मार्शल जियांग यूएरेन है वो वाकई में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी टेरिफाइंग है। और तो और वो हमेशा अपने डिसिपल्स को होल हार्टेडली पूरे के पूरे दिल से सिखाती है खुद से। ये बात सुनकर दूसरा बंदा आकर उससे कहने लगता है कि हमें रेड क्लाउड पीक पर जाना चाहिए, अगर हम लोग वहां पर चले जाते हैं तो वहां पर कई सारी पावरफुल क्लैंस और फैमिली से रिश्तेदारी बन सकती है हमारी, क्योंकि मोस्टली डिसिपल्स वहां पर कुछ और नहीं बल्कि काफी प्रोमिनेंट फैमिलीज के हैं जो कि हमारे कनेक्शन बिल्ड करने में हमारी मदद कर सकती है। तो फैटी उससे पूछता है कि लिटिल ब्रदर आखिरकार तुम क्या सोचते हो इसके बारे में। तो येचंग उससे कहने लगता है कि मुझे लगता है कि हमें अजूरा क्लाउड पीक को ज्वाइन करना चाहिए, जिसको सुनने के बाद वो सभी पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। और मन में सोचते हुए हमारा एमसी कहने लगता है कि जो मास्टर जुओ है वो मेरे ट्रू बैकर है। आखिरकार सभी के सभी लोगों को ये लगता है कि वो पूरी तरह से पागल है, लेकिन मुझे पता है कि वो हिंसन बनने की प्रिटेंड करने में लगे हुए हैं और ऑफकोर्स की बात है कि मैं अजूरा क्लाउड पीक पर ही जाऊंगा। ये बात सुनने के बाद फैटी उससे पूछ लगता है कि तुम हमारे साथ मजाक कर रहे होगे ना, मैंने सही कहा ना, क्या तुम वाकई में इस बात को लेकर श्योर हो लिटिल ब्रदर। क्योंकि जो जुओ लिंग लांग है अजूरा क्लाउड पीक का, वो पीक मास्टर जुओ एक पूरा मैडमैन है, मैडमैन, और वो कई सारे डिकेड से पूरी तरीके से दिमाग खराब हो चुका है। और पास्ट डिकेड में किसी बंदे ने अजूरा क्लाउड पीक के एग्जामिनेशन के लिए कभी भी सबमिट नहीं किया है या फिर साइन अप नहीं किया है। और तो और से उसके जितने भी डिसिपल हुआ करते थे फॉर्मर क्विंग युआन पीक के, वो सभी के सभी लोग उसको किसी बीस्ट और बर्ड की तरह स्केटर होकर जा चुके हैं, छोड़कर जा चुके हैं। तुम्हारे जो जूनियर ब्रदर है अब वो क्विंग युआन पीक का, तो मैं बताना चाहता हूँ कि तुम जूनियर ब्रदर ये पूरी पूरी जो क्विंग युआन पीक है वो अजूरा क्लाउड पीक है वो टोटली डिक्लाइन में जाने में लगी हुई है और सिंगल डिसिपल नहीं बचा उसमें, और पूरे का पूरा एंटायर ग्रीन क्लाउड पीक किसी गोस्ट सिटी की तरह दिखता है। ये सुनकर एमसी उससे क्या लगता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है ब्रदर, मैं एनालाइज करके तुम्हें बताता हूँ। सबसे पहले ये बात सच है कि जो सेक्ट मास्टर है, जो पीक मास्टर है, पूरी तरह से क्रेजी है और उनके सभी के सभी डिसिपल ऑलरेडी उस जगह को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन यही चीज तो हमारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है और सही है। ये बात सुनकर वो काफी शॉक हो जाते हैं सीनियर ब्रदर उसके, और उससे क्या लगता है कि ये वाकई में सही है। तो एमसी उससे क्या लगता है कि तुम खुद बताओ कि आखिरकार हम लोग कौन है। हम लोग कुछ और नहीं बल्कि मैं अल्केमी रूम के डिसिपल्स हैं जो कि अनरेगुलेटेड और काफी ज्यादा फ्री बंदे हैं, कोई भी हमें कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर हम वाकई में क्विंग युआन पीक पर जाते हैं और पीक मास्टर जुओ को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, क्यों करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरी की पूरी जो पीक है वो हमारी हो जाएगी। और जैसे कि हम लोग इस अल्केमी होम में अल्केमी रूम में रहते हैं, हम जो चाहे वो वहां पर जाकर कर सकते हैं। और एक और चीज है, वहां पर कोई भी हमें वहां पर कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, सारे रिसोर्सेस है उस माउंटेन के वो हमारे डिस्पोजल पर होंगे, और वहां के जो रिसोर्सेस है पूरे के पूरे एंटायर क्विंग युआन पीक के वे श्योरली हमारे इस एल्केमी रूम के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा बेटर है कंपेयर करें। तो ब्रदर्स अब तुम भी बताओ, क्या तुम वाकई में इस तरीके की फीलिंग्स को एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते हो जैसे कि तुम किसी माउंटेन के किंग बन चुके हो। इसको देखकर वो काफी खुश हो जाता है और एमसी की तारीफ करते हुए उससे कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर तुम तो बिल्कुल सही कहने में लगे हुए हो, अगर ऐसी बात है तो हम लोग ग्रीन क्लाउड पीक पर ही जाने वाले हैं, यानी कि अजूरा क्लाउड पीक पर, बस उसके नाम वगैरह बदलते रहते हैं। खैर वो सब छोड़ो, तभी दिन आता है एग्जामिनेशन के, यहाँ पर सभी के सभी स्टूडेंट यहाँ पहुंच जाते हैं और उसी के साथ हमारा एमसी भी एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाता है। अनाउंस करते हैं सभी लोग कहने लगते हैं कि डियर स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर स्वागत करते हैं एवरग्रीन इमॉर्टल सेट के आउटर गेट एग्जामिनेशन के लिए, और इस बार का जो फर्स्ट लेवल है पास करने के लिए अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें स्टोन डोर को जो कि तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है इसको क्रॉस करना होगा, जिसको देखकर कुछ लोग कहने लगते हैं कि जो फर्स्ट लेवल है वो लिमिटेड है सिर्फ और सिर्फ 300 तक। ये बताते हैं कुछ लोगों को, सभी सभी लोगों को 300 तक अंदर जा सकते हैं और पहले 300 लोग जो पास करेंगे पूरे के पूरे इस लेवल के ट्रायल को तो वो नेक्स्ट में पहुंच सकते हैं। तो अब तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, तो मैं बताता हूँ कि आखिर रूल क्या है। अगर तुम पास करना चाहते हो तुम्हें इस स्टोन डोर को, तो ये काफी आसान है, तुम्हें कुछ नहीं करना बल्कि मैं इन 3 टोकन का इस्तेमाल करना है और ये तीनों के तीनों जो 3 स्पीयर्स है वो आसपास इधर उधर इररेगुलर पैटर्न में उड़ना चालू कर देंगे, और उसके बाद हर एक बंदा जो जेड बॉल है जो भी उसे पकड़ेगा वो इस स्टोन डोर के अंदर एंटर कर सकता है और बिना किसी परेशानी के सेकंड लेवल पर पहुंच सकता है टेस्ट के, और तुरंत उनको रिलीज करते हुए क्या लगता है कि तो ऑल राइट आउटर डिसिपल टेस्ट जो चालू है उसकी प्रोसेसिंग है, मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ, अनाउंस करता हूँ। ये सुनने के बाद उनमें से एक बंदा कूद पड़ता है और उससे क्या लगता है कि ये तो काफी ज्यादा आसान है, ये तो बस एक बॉल है, मैं सबसे पहले जाता हूँ उसे पकड़ लेता, लेकिन जैसे वो उस बॉल को पकड़ने के लिए जाता था वो बॉल की रफ्तार ज्यादा होने के कारण वो उसे पकड़ नहीं पाता और दीवार से जाकर टकरा जाता है। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि मैं भी आता हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए, और सभी किसी एक एक करके उस बॉल को पकड़ने के लिए कूद पड़ते, लेकिन फिर भी वो बॉल काफी तेज होती है और वो एक दूसरे के साथ टकरा जाते हैं और टकराने के कारण वो वहीं पर गिर जाते हैं और उनकी मुंह की हालत खराब हो जाती है। और अब उन्हें समझ में आता है कि आखिर का जो टास्क कितना डिफिकल्ट है और कहने लगता है कि ये चीज तो वाकई में बहुत फास्ट है, मैं और इसे पकड़ नहीं पा रहा हूँ, ये चीज वाकई में बहुत हर्ट होती है, दुखता है, मुझे इस बात पर पूरा भरोसा नहीं है कि मैं पकड़ नहीं सकता, तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ इसे पकड़ने के लिए, और सभी के सब लोग वापस से पकड़ना चालू रखते हैं। और तभी आती है इस वे की एंट्री होती है,
यहाँ पर वो कह रहा होता है कि जूनियर आई मीन वृद्ध जो जरा उधर तो देखो, ये सभी के सभी जो जितने भी लोग आए हैं वो एल्केमी हॉल से आए हुए हैं और पार्टिसिपेट करने वाले हैं आरडब्ल्यू डिसिप्लिन के एग्जामिनेशन में। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मुझे इन पर पूरा भरोसा नहीं है। और इस बात से ये जुओ भी एग्री होता है और जुओ से कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत जरूर है, ये सभी के सभी लोग काफी तो एरोगेंट है और वो हमेशा आउटर डिसिप्लिन लुक लुक डाउन करते हैं। और वो अपना सारा का सारा सामान पैक कर कर इनिशिएटिव लेने के लिए आए पार्टिसिपेट करने के लिए, यहाँ पर अपना बैग भी लेकर आए और आखिरकार है क्या इन स्मॉल बैग्स में, इसको देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कि वो घर से भागने में लगे हो। तभी वही चिल्लाता है, उससे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि क्या होने वाला है, लेकिन हमारे जो एनिमीज हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और हम लोग इस तरीके से उन्हें नहीं यहाँ से नहीं जाने दे सकते। खासकर मैं इस बंदे ये शेंग को तो बिल्कुल भी नहीं जाने देता, क्योंकि इसका चेहरा देख कर ही मुझे काफी ज्यादा इरिटेशन महसूस होती है, मैं इसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। तभी फैटी हमारे एमसी से कहने लगता है कि हे जूनियर ब्रदर, मेरे ओपिनियन के हिसाब से जो टोकन है इसे पकड़ना आसान नहीं होने वाला, लगता है कि हमें एक साथ वर्क करना पड़ेगा मिलकर और हमारी स्किल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एमसी उससे पूछता है कि ब्रदर तुम मुझे बताओ कि आखिर हम करें क्या। तो फैटी उससे कहने लगता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर तुम काफी ज्यादा तेज हो, हम लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारी उस फोर्स को हम चारों तरफ से घेर लेंगे, उसके बाद तुम जाकर उस टोकन को पकड़ सकते हो और हम सभी के सभी लोग उसे तुम्हारी मदद करने के लिए एक फॉर्मेशन बनाने वाले हैं। और इस बात से ये भी एग्री हो जाता है और तभी उसके बाद वो सभी के सभी लोग एक फॉर्मेशन में आ जाते हैं और क्या लगता है कि हमें स्टार्ट करना चाहिए और चारों तरफ से उस बॉल को घेर लेते हैं और उस बॉल को जाने के लिए कहीं भी रास्ता नहीं मिलती। और जैसे ही वो बॉल अपनी डायरेक्शन बदलती तो फैटी चिल्लाते उससे क्या लगता है कि तुम सभी के सभी लोग तैयार हो जाओ और उसे यहीं पर रोक लो। और जैसे ही बॉल निकलने की कोशिश करती है तो वो उसके पेट में घुस जाती है, लेकिन उसे चोट बिल्कुल भी नहीं लगती क्योंकि वो फूल कर किसी गुब्बारे की तरह हो चुके हैं और जब बॉल उसे फोड़ने की कोशिश करती है तो फोड़ नहीं पाती है बल्कि उसे फंस जाती है। और फैटी एमसी से कहने लगता है कि जूनियर ब्रदर यही तुम्हारा एक मौका है, तुम्हें जल्दी जाकर उस जेड बॉल को पकड़ना चाहिए जिसे हमने ट्रैप कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है। और तभी हमारा एम उससे कहने लगता है कि ठीक है सीनियर ब्रदर मैं अभी जाकर पकड़ता हूँ और फुल रफ्तार में भगना चालू करता है और जंप कर उनके सेंटर में जाकर उस बॉल को पकड़ने के लिए कूद जाता है और बिना किसी परेशानी के पहली बॉल को पकड़ने में वो कामयाब रहता है और काफी ज्यादा खुश भी हो जाता है और क्या लगता है कि हमने सक्सेसफुली पकड़ लिया, जिसको देखकर सभी क्या लगता है कि ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और जब वो इस देही से देखता है तो वो काफी सरप्राइज होते हैं, उससे क्या लगता है कि होली क्रैप ये इनकी ट्रिक वाकई में काम कर चुकी है, इन्होंने एक्चुअली में उस बॉल को पकड़ लिया। तभी जू आकर उससे क्या लगता है कि माय डियर जूनियर ब्रदर तुम्हें इसके बारे में शायद नहीं पता होगा, लेकिन जो येशेंग और येशेंग की टीम है वो वाकई में बहुत ज्यादा कनिंग है, इनकी इतनी ज्यादा ट्रिक का इस्तेमाल करके उन्होंने मुझे काफी ज्यादा परेशान किया है, वो कभी भी रूल्स के हिसाब से नहीं खेलते और इस फैटी के आज तक हमें इतना परेशान किया कि हमारा जो कास्टिंग हॉल है उसे काफी नुकसान का सामना करना पड़ा इसके कारण। हमें नहीं पता कि आखिरकार इन्होंने हमें कितनी बार बुली किया है, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए हमें इन्हें जीतने नहीं दे सकते। तभी वो जो बात सुनकर वो काफी खुश होते हैं, कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर जो आप बिल्कुल सही कहने में लगे हुए हो, हम इन्हें वापस से नहीं जीतने देंगे और सभी को रोकने का एक ही तरीका कि हम लोग सब लोग उन पर अटैक करेंगे और उनके सभी सभी बॉल्स को झुड़ा लेंगे। और चिल्लाते उन पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। यहाँ पर हमारा एम सी दूसरी बॉल को भी पकड़ने में कामयाब रहता है और बॉल को पकड़ने के बाद वो काफी खुश हो ही रहा होता है, तभी अचानक से वो सभी के सभी लोग उस पर अटैक कर देते उसकी बॉल को चुराने के लिए, लेकिन हमारा एमसी से नोटिस कर लेते पर अपने आप को बचा नहीं पाता और उसकी किक हमारे एमसी के पेट पर लगती है और एमसी चिल्लाते उससे कहता है कि वे बेजवान तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझ पर छुपकर अटैक करने के लिए। तो वे बेजवान उससे कहता है कि ये शेंग तुम अपनी बकवास बंद कर दो और तुम्हारे पास जितने भी जेड ऑप्स है वो मेरे हवाले कर दो और वो उसे फुल रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फैटी चिल्लाते उससे कहता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर को बुली किया जा रहा है यहाँ पर उन सभी लोगों के द्वारा, हम अपना बदला जरूर लेंगे उनसे, लेकिन लिटिल जूनियर ब्रदर तुम्हें अभी के लिए सबसे पहले तो इस थर्ड जेड ऑप को पकड़ना होगा, उसके बाद हम अपना हिसाब इनसे बराबर कर सकते हैं और उन्हें अच्छी तरीके से सबक सिखाएंगे, एक बार हमारे पास सभी सभी तीनों के तीनों जेड ऑप्स आ जाएंगे तब। और वे सभी के सभी लोग वापस से अटैक करने के लिए रेडी हो जाते, लेकिन हमारा एमसी वहां पर घबरा रहा होता है कि निकल पाऊंगा या नहीं निकल पाऊंगा और तुरंत अपनी फुल स्पीड का इस्तेमाल करके वहां से भागना चालू कर देता है। तो वे अपने साथियों को ऑर्डर देता है उसे रुकने के लिए और वो चिल्लाते उससे कहते हैं कि तुम सभी के सभी लोग वहीं पर रुक जाओ, ये शेंग तुम वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, मुझे तुम्हें देखकर काफी मजा आ रहा है, अब जबकि इतने लोगों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है मुझे लगता है कि तुम यहाँ से इतने मेरे चंगुल से बचकर निकलने में कामयाब रहोगे, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं अपना लास्ट नेम बदल लूंगा तुम्हारे से। दूसरी तरफ हमारा एमसी काफी घबराया होता है और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये बंदे सभी के सभी लोग कितने परेशानी वाली बातें मिली और मेरे लिए इन्हें डॉच करना काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है, लगता है कि जो लास्ट जेड ऑफ है जो कि एल्डर सीनियर ब्रदर के पास उसे पकड़ना काफी कठिन है मेरे लिए। तभी बंदा कहने लगता है कि तुम सभी के सभी जेड ऑफ को मेरे हवाले कर दो क्योंकि हमने ऑलरेडी तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अब तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल पाओगे हमारे चंगुल से। लेकिन तभी अचानक से ये शेंग अपने अंदर एक अजीब तरीके की पावर को महसूस करता है चारों तरफ से घिरने का, उसकी जो वर्ड की पावर होती है ना एस्केप वाली वो एक्टिवेट हो जाती है, इसको देखकर वो पूरी तरह से कंफ्यूज होता है और कहने लगता है कि ये सब क्या चलने में लगा, वो जो एस्केप कैरेक्टर है जो मैंने कल्टीवेट किया था इससे पहले वो एक्टिवेट हो चुका है। और जब सभी के सभी लोग उस पर पकड़ने के लिए एक साथ कूद पड़ते हैं तो हमारा एमसी उनके बीच में से वहीं से गायब हो जाता है, वो आपस में टकरा कर वहीं पर बिल्कुल भी देख नहीं पाते, उन्हें चोट लग जाती है और हमारा एमसी फुल रफ्तार में एक अजीब तरीके की पैटर्न का इस्तेमाल करके वहां से निकल पड़ता है। इसको देखकर ये बंदा सरप्राइज होते हुए कहने लगता है कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ ये सब, आखिरकार इसकी जो स्पीड है वो सडनली इतनी ज्यादा इंक्रीज कैसे हो चुकी है। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मैं इसकी स्पीड बढ़ने के साथ साथ इसके जो फुटवर्क है वो काफी ज्यादा एडवांस फुटवर्क दिखने में लगे हुए हैं और इसके काफी ज्यादा ट्रिकी में हमें इसके लिए, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जो गड़बड़ है जिसके बारे में पता नहीं है पूरी तरीके से। और दूसरी तरफ जहाँ पर सभी के सभी लोग उस बॉल को घेर कर रखे हुए थे लेकिन वो बॉल वहां से निकलने में कामयाब रहती है और क्या लगता है लिटिल जूनियर ब्रदर जल्दी आ जाओ क्योंकि जो जेट बॉल है वो ऑलरेडी हमारे चंगुल से निकल चुकी है, अब जबकि ये शंकी रफ्तार बढ़ चुकी है
तो वो काफी खुश होते हैं। उससे क्या लगता है कि जो ब्लेसिंग है मेरे इस बर्ड एस्केप की वो काफी ज्यादा अच्छी मिली है और बिना किसी परेशानी के उसे बॉल को पकड़ने में कामयाब रहता है, जिसको देखकर उसका सीनियर ब्रदर काफी खुश होते हैं। उससे क्या लगता है कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया है लिटिल जूनियर ब्रदर, तुम्हारा जो स्पीड है वो इंक्रीज हो चुकी है पहले के मुकाबले में। तभी ये शख्स सभी बॉल्स को ले जाकर स्टेज पर खड़ा हो जाता है और उससे क्या लगता है कि जो 3 बॉल्स है वो हमारे हाथों में। तो उसका सीनियर ब्रदर उससे क्या लगता है कि जूनियर ब्रदर अब जबकि हमने सारे के सारे 3 बॉल्स को पकड़ लिया हमें अंदर चलना चाहिए। तो ये शख्स उससे क्या लगता है कि मेरे पास एक आइडिया है, जिसको सुनकर वो कंफ्यूज होती है। उसके सीनियर ब्रदर उससे पूछने लगता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा आइडिया है तो तुम कहो तो सही। तो ये शख्स उससे क्या लगता है कि सीनियर ब्रदर तुम्हें बिल्कुल भी समझने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लगता है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छी डील है, जिसको देखकर तीनों के तीनों काफी सफलता से भर जाते हैं। और क्या लगता है कि तुम किस गुड डील के बारे में बात कर रहे हो? जब सारे सारे प्लान को एक्सप्लेन कर दिया जाता है तो वो काफी खुश हो जाते हैं और कहने लगता है कि तुम लिटिल जूनियर ब्रदर तुम काफी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, डेफिनेटली ये एक अच्छी डील है हमारे लिए। तो स्टेज के बीच में खड़े होने के बाद अनाउंस करता है और कहने लगता है कि तुम सभी के सभी लोग मेरी बात ध्यान से लो, हमारे पास तीनों के तीनों जेड बॉल्स मौजूद है और अगर जहाँ बाकी में इस स्टोन गेट को पास करना चाहता है जो भी और एंटर करना चाहता है नेक्स्ट राउंड में असेसमेंट के, तो वो हमसे जाकर सीधे बाय कर सकता है इन जेड बॉल्स को और बाय करने के लिए तुम्हें 100 स्पीड स्टोन की जरूरत पड़ेगी, जिसको देखकर सभी भड़क जाते हैं। और उससे क्या लगता है कि 100 तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, तुम पूरी तरह से पागल तो नहीं गए? और आखिरकार तुम इतने ज्यादा सेमलेस कैसे हो सकते हो कि तुम इस तरीके से बिजनेस करने में लगे हो यहाँ पर? तुम कितने लो ले, तेरी हिम्मत कैसी ऐसा करने की? तो ये सभी को समझाते हैं। उससे क्या लगता है कि एक्चुअली में जो 100 स्पीड स्टोन है वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है, तो जिसको सुनकर वो भी अग्री होता है। उससे लगता है कि सीनियर ब्रदर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? तो ये शख्स उससे लगता है कि सभी के सभी लोग सीनियर ब्रदर मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये कितनी तो हॉनर वाली बात होगी अगर यहाँ पर इतने वेरियस पीक्स के डिसिपल तुम लोग बन जाते हो, जहाँ पर जो ऑर्डिनरी लोग हैं वो कभी भी इस अपॉर्चुनिटी को हासिल नहीं कर सकते हैं, वो तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो जो 100 स्पीड स्टोन है वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। अगर तुम थोड़ा बहुत लॉस भी कर लेते हो तो सीधी सी बात है कि तुम्हारा उसमें कोई भी नुकसान नहीं हो रहा है। एक बार तुम कई सारे वेरियस डिसिपल बन जाओगे, वेरियस पीक्स के डिसिपल, तो तुम्हारा उसमें सिर्फ फायदा ही फायदा है। तभी वे आकर उससे कहने लगते हैं कि ये शंग तुम आखिरकार ऐसा क्यों कहते हो? जो तुम कहने में लगे हो इस बात में सेंस तो बनता है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि मैं तुमसे उन सभी के सभी ऑप्स को खरीदूं? खरीदूं तो खरीदू क्यों, मैं सीधे जाकर तुमसे लूट भी दे सकता हूं, छुड़ा भी दे सकता हूं। इसको देखकर ये शंग उससे कहने लगता है कि तुम हमसे लूटना चाहते हो, ठीक है तुम जहां पर ट्राई करने के लिए वेलकम हो। तो वे अपने सीनियर ब्रदर जू से कहने लगता है कि अब यहां पर एल्केमी रूम के जितने भी डिसिपल ऑब्वियसली हमारे लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं छोड़ रहे अंदर जाने के लिए, अब हमें क्या करना चाहिए? चलो ब्रदर हम सभी के सभी लोग जाते हैं और उन सभी को ड्रॉप कर लेते हैं। जिसको देखकर फैटी उनसे कहने लगता है कि जुओ यून के तुम बास्टर्ड कहेंगे तेरी हिम्मत कैसी ऐसा करने की, अब जबकि तुम इस तरीके से रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो तो तुम मुझे ब्लेम मत करना जब रूड होने के लिए तुम्हारे खिलाफ। तो वो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से फुला लेता है, जैसे ही कोई बंदा उसे पकड़ नहीं पाता और अपने उस ग्रेविटी का आई मीन फोर्स का इस्तेमाल करके उन्हें वापस भेज देता है। उससे कह रहे थे कि जूनियर ब्रदर चार्ज कर दो सभी के सभी लोग, चलो देखते हैं कि हमारी जो मेहनत है उसे चुरा पाएंगे या नहीं चुरा पाएंगे और हमारी पावर तो दिखा दो इन सभी को। तभी दूसरा बंदा कहने लगता है कि ठीक है मैं भी आ रहा हूं, और वो भी बॉल जैसे बनकर बन जाता है, फूल जाता है और उन सभी को प्रेशर के कारण वापस से धकेल देता है। तभी वे चिल्लाते हैं उससे कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर जियो ये सारे के सारे जेड स्पीयर्स है वो ये शंख के हाथों में है, हमें उसे जाकर पकड़ना चाहिए। लेकिन वो सब लोग जब ये शंख पर अटैक करने के लिए कूद पड़ते हैं तो ये शंख को घंटा रखना पड़ता है उन सभी से और वापस से अपनी टेक्निक एस्केप वर्ड की टेक्निक को इस्तेमाल करता है और बिना किसी परेशानी के उनसे सभी से डॉच करने में कामयाब रहता है। लेकिन जब ये बात इसकी इनको पता चलती है कि वो इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा है तो उन्हें समझ नहीं आता क्या चल रहा है, शौक होते कहने लगते हैं कि आखिर इतनी स्पीड बड़ी तो बड़ी कैसे। तभी ये शख्स आकर पीछे से उनके पिछवाड़े पर जोरदार से लात मारता है, जिसके कारण वो जमीन पर बेहोश होकर वहीं पर गिर जाते हैं। और मन में सोचते हुए ये शख्स कहने लगता है कि अगर ये पहले होता तो शायद तुम लोग मुझे हरा देते और मैं काफी डर चुका होता, लेकिन अब जहां पर मेरे पास अब एस्केप वर्ड की मौजूद है और एस्केप वर्ड की पावर मौजूद है तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता तुमसे हारने के लिए, अब तो तुम मुझे टच भी नहीं कर सकते, मेरे पास खुद का ऑप्शन मौजूद है। तो जो असेसमेंट लेने के लिए आए हुए होते हैं वो कहने लगते हैं इस सिचुएशन को देखने के बाद कि हम लोग इस तरीके से इग्नोर करने वाले हैं सिचुएशन को, असेसमेंट को किसी बिजनेस की तरह ट्रीट करना एक अलग मैटर है, लेकिन अब वे सभी से लोग फाइट करने में लगे हैं। तभी दूसरा बंदा उससे कहने लगता है कि अबे हमें इनसे क्या परेशानी है, कुछ लोग यहाँ पर उनके खुद के कनेक्शन से सीनियर ब्रदर के साथ आउटर सेट के आउटर एंड इनर डिसिप्लिन सेट के, हम हमें इनकी फुल स्टोरी के बारे में भी नहीं पता है, तो हमारे लिए बेटर रहेगा कि हम लोग इस मैटर में इन्वॉल्व ना हो और ना ही किसी को ऑफेंड करें। तो और हमारे असेसमेंट रूल में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि जो फाइट नहीं कर सकते हैं, तो फाइट करने दो उन्हें। तभी थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, सभी लोग फाइट करते करते कभी थक जाते हैं जी लोग, और ये चंग उससे कहने लगता है कि जियो यिन क्यों तुम जो कि कास्टिंग रूम से आया हुआ है, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे एल्केमी रूम के मुकाबले में कुछ भी नहीं है, तुम्हें कभी भी अपने आप को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिसको बात को सुनने के बाद उस वे को गुस्सा जाती है और उससे कहने लगता है कि ये चंग तेरी हिम्मत कैसी मुझे हिट करने की, तुम बस इंतजार करो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसी वार्निंग सुनने के बाद पीछे से कहने लगता है कि अगर तुम भले ही एक आउटर डिसिपल क्यों ना बन जाओ, लेकिन मेरा जो ब्रदर है वो कभी भी तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देगा, और वो धमकाने लगता है हमारे एमसी को ब्रदर का नाम सुनाकर। लेकिन वो उन्हें इग्नोर करते कहने लगता है कि एवरीवन यहाँ पर जो 100 स्पीड स्टोन है वो अभी भी प्राइस यही है, जो पहले आएगा उसे पहले सर्विस मिलेगी। इसके इस तरीके के रॉब को देखने के बाद ऑप को देखने के बाद सभी के मुंह में लालच आ जाता है और उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर मैं तुम्हें एक 100 स्पीड स्टोन के लिए लेने के लिए तैयार, और वो तुरंत उस ऑप को लेने के लिए पहुंच जाता है।
और कहने लगता है कि मुझे लगा था कि मेरा जो कल्टीवेशन है मैं कभी भी अब कभी भी एक पीक के अंदर नहीं घुस पाऊंगा, आउटर सेट का डिसिप्लिन नहीं बन पाऊंगा पूरी पूरी जिंदगी में। लेकिन कैसे पता था कि जो हेवन से वो मुझे इस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी एक मौका देंगे, और वो बिना किसी परेशानी के अंदर ये बंदा जब चला जाता है तो वापस से उस ऑब को बाहर की तरफ रिलीज कर देता है। उनमें से एक और बंदा आता है, उससे लगता है कि सीनियर ब्रदर मेरे पास कोई स्पीड रिस्टोन तो नहीं है लेकिन मैं स्प्लिट हब का इस्तेमाल कर सकता हूँ उस जेड स्पेयर के लिए, चलेगा क्या? तो ये शेंग उससे कहने लगता है कि चलेगा चलेगा कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद सभी के सभी लोग एक साथ कूद पड़ते हैं और कहने लगते हैं कि मैं बाय करना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ। इस सिचुएशन को देखकर वो काफी खुश होता है हमारा एमसी ये शेंग, और मन में सोचता है कहने लगता है कि जो चार्जिंग सेट की जो ट्रेड है हमने फाइनली यहाँ पर अपना बिजनेस खोल लिया है। जैसे किस तरीके से मुझे उस इविल वैली में सिलेबस कमाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन इस बार मैं बिना किसी परेशानी के स्पीड रिस्टोन को कमा सकता हूँ, मैं तो अमीर बनने वाला हूँ फ्यूचर में काफी ज्यादा। और जब सभी के लोग अंदर चले जाते हैं तो फैटी उससे कहने लगता है कि जियो यूनिकॉर्न तुम्हें छोड़कर सभी के लोग ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं कास्ट रूम के बंदों को छोड़कर, तो तुम आखिरकार क्या प्लान करने वाले हो? क्योंकि जो असेसमेंट है एक बार खत्म हो जाएगा, आधा घंटे बचा हुआ है इस प्रोसेस, और तुम वापस से सर्वेंट बन जाओगे कास्टिंग रूम के। तो वो जू उससे कह लगता है कि जी ड्यूकन हमें तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे आगे भीख मांगेंगे? हम लोग गिव अप कर सकते हैं, भले ही हमें यहाँ पर भूख के मारे मरना पड़े, लेकिन हमारे जो कास्टिंग रूम के लोग है वो कभी भी तुमसे बाय नहीं करेंगे इस बॉल को, जेड बॉल को तुमसे। ये बात सुनकर ये चंग उससे कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर जियो वे भी हो, मुझे पता है कि तुम लोग हमसे नफरत करते हो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि हमने इन सभी के सभी मौके को अपनी स्ट्रेंथ पर अपनी ताकत के दम पर हासिल किया है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है यहाँ पर तुम हमारा कुछ कर सकते हो। और हम सभी के सभी लोग एल्केमी रूम के हैं, वो आउटर सेट के डिसिपल बनना चाहते हैं, इस बार 100% हमने जो प्लान बना लिया है, लेकिन अगर तुम लोग हमारे साथ नहीं जाते हो तो नेक्स्ट टाइम तुम हमसे मिलोगे तो तब तक 3 साल ऑलरेडी गुजर चुके होंगे, और तुम्हें तो पता ही होगा कि एक बार हम लोग किसी वेरियस पीक के डिसिपल बन जाएंगे तो हम दोनों के पावर का जो गैप है वो काफी ज्यादा बढ़ता जाएगा सिर्फ और सिर्फ, और तुम उसके बाद हमसे बदला लेने के बारे में कभी सोचना भी मत, और तुम्हारे पास तो कभी हमें देखने का मौका भी ना मिले, शायद ऐसा भी हो सकता है। ये बात सुनकर वे उसके पास आता है, उससे कहता है कि सीनियर ब्रदर जू भले ही जो ये चंग है वो एक नंबर का बेवकूफ है, लेकिन जो भी इसने कहा था वो वाकई में बात तो सही है, हमें लगता है कि सबसे पहले हमें आउटर सर्किट फर्स्ट एंटर करने के बारे में सोचना चाहिए, उसके बाद हम डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि हमारी स्ट्रेंथ की जो डिफरेंस है वो काफी तक ग्रेट हो जाएगी। ये बात सुनकर अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा तो वो भी एग्री हो जाता है और क्या लगता है कि ठीक है सबसे पहले हम लोग आउटर सर्किट डिसिपल बनेंगे, बदला बाद में आता है। तो अंदर आकर उससे क्या लगता है कि 100 स्पीड स्टोन और मुझे मेरी जेड बॉल दे दो फटाक से, लेकिन तभी हमारा एमसी मुस्कुराता है डेविल वाली स्माइल मारते हो, और उससे क्या लगता है कि ये बिल्कुल भी काफी नहीं है हमारे लिए। ये सुनकर वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो ये शंग उन्हें लूटने के लिए उससे कहने लगता है कि तुम्हारे जो कास्टिंग रूम के बंदे हैं उन सभी को 500 स्पीड स्टोन की जरूरत देने की जरूरत पड़ेगी, वो भी सभी के सभी लोगों को, जिसको देखकर इस बंदे को काफी गुस्साने लगती है, और उससे चिल्लाते उससे लगता है कि डैम इट तुम्हारी हरकत कैसी वैसा करने की, तो मैं वाकई में लगता है कि पेड़ पर लटकते हैं स्पीड स्टोन। तो हमारा एमसी उसके कुछ लेटर लिखते हुए उसे देता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है और क्या लगता है कि आखिरकार ये क्या चीज है अब। तो ये चंग उसे समझाता है, उससे लगता है कि ये मेरे ग्रैंडपा का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि तुम जैसे स्किन बॉयज फेयर स्किन बॉयज होते हैं उन्हें वो काफी ज्यादा पसंद करते हैं इविल वैली के, और तुम जैसे फेयर स्किन बॉय को वो काफी ज्यादा पसंद करते हैं इसलिए तुम्हें वहां पर हर रात के 10 सिल्वर टेल्स मिल सकते हैं। ये बात सुनने के बाद वो काफी शॉक हो जाता है, उससे लगता है कि तुम कितना डिस्गस्टिंग हो। अब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है तो वो उससे कहने लगता है कि लो तुम्हारे स्पिरिट स्टोन ओल्ड मैन, मैं इस बार तो तुमसे हार मानता हूँ लेकिन अगली बार तुमसे जरूर जीतूंगा, और सभी के सभी लोग अंदर चले जाते हैं। और जब हमारा एमसी ने यहाँ पर अपना बिजनेस खत्म कर लिया है तो वो अपने साथियों से कहने लगता है कि ब्रदर्स अब हमें भी अंदर चलना चाहिए, और सभी के सभी लोग फाइनली अपनी नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए आउटर साइड के डिसिपल बनने के लिए अंदर घुस जाते हैं, और फैटी कहने लगता है कि चलो हमें चलना चाहिए हमारे फेलो एल्केमी रूम के डिसिपल और उस असेसमेंट के रूम को दरवाजे पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स लगे होते हैं चेक करते हैं, उनमें से एक बंदा कहने लगता है उसको देखने के बाद क्या जितने भी डिसिपल्स हैं उन्होंने ऑलरेडी आउटर साइड के असेसमेंट को पास कर लिया है। दूसरा बंदा कहने लगता है कि हाँ ऐसी बात तो है, लेकिन जितनी भी सारी की सारी जो गलती है वो सारी की सारी जो परेशानी है वो एल्केमी रूम के ट्रेबल मेकर्स के द्वारा बनाई गई है, हमारे इस असेसमेंट को बिजनेस से बना रखा है उन लोगों ने, आखिरकार इस तरीके किसकी सोचने की इतनी हिम्मत आ चुकी है और ऐसा करने की इनकी यहाँ हिम्मत भी कैसे आई। ये सुनकर दूसरा बंदा शायर करते हुए उससे कहने लगता है कि चलो हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो पिक मार्चर है जो नेक्स्ट राउंड होने वाला है वो इतने ज्यादा शॉक नहीं होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अच्छा ही रहेगा होगा। तभी उसके बाद हमें सभी के सभी पिक मार्चर को दिखाया जाता है और वो लड़की अनाउंस करती है कि सभी के सभी लोग ध्यान दो मेरी बात पर, ये बंदे कोई और नहीं बल्कि व्हाइट क्लाउड पीक की पीक मास्टर प्रिंसेस लियांग लुओ है, और वो कहने लगते हैं कि जो आउटर डिसिप्लिन का एग्जामिनेशन है वो यहाँ पर खत्म होने वाला है, तो हमारा जो व्हाइट क्लाउड पीक है जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों को हमें चुनाना होगा इस बार। ये बंदा होता है रेड क्लाउड पीक का पीक मास्टर कॉन्ग शेमिंग, तो वो उससे कहने लगता है कि प्रिंसेस लियांग जाओ तुम्हें इस तरीके से अपनी होप्स को बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तो पता ही होगा जो प्रीवियस ईयर्स के असेसमेंट था उसके समय में इतने ज्यादा डिसिप्लिन भी आउटर सेट में पास नहीं कर पाए थे इस एग्जामिनेशन को, ये हमारे सभी के सभी पीक के लिए वो काफी हो, स्पेशली खासकर इस समय पर इस बार का जो एग्जामिनेशन होने वाला है इस साल का वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है लास्ट ईयर के मुकाबले में, तो मुझे लगता है कि पहले के मुकाबले में यहाँ पर और भी कम डिसिप्लिन होने वाले हैं पास करने के लिए, तो मुझे लगता है कि ईच पीक जाने की हर पीक के लिए वो पॉसिबल नहीं होने वाला। तभी दिखाया जाता है ब्लैक क्लाउड पीक के पीक मास्टर डिंग त्यान्नान को, जो कि ये बात सुनकर उससे कहने लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आखिरकार कितने ज्यादा डिसिप्लिन यहाँ पर मौजूद है कितने ज्यादा लोग मौजूद है, लेकिन जो पीक मास्टर जुओ है अजूरे क्लाउड पीक के
उन्हें तो इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वहां पर कोई भी नहीं जाने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ हमारी जो 4 4 पीक्स हैं वही रह गई हैं सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करने के लिए डिसिपल्स को, जो कि इस एग्जामिनेशन में पास होने वाले हैं इस बार। जूनियर ब्रदर जुओ लिंगलंग, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? तभी वो क्या लगता है कि बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है तुम तो। तभी उसके बाद लड़की बोल पड़ती है पीक मास्टर डिक, लास्ट टाइम तुम्हारा जो ब्लैक क्लाउड पीक है वो फेल्ड हो चुका था अनेक्स्ट करने के लिए ब्रदर जुओ की अजूरा क्लाउड पीक को। क्या तुम वाकई में अजूरा क्लाउड पीक को एब्जॉर्ब करने के लिए इतने जल्दबाजी मचाने में लगे हुए हो क्या? और अब तुम यहाँ पर उन्हें ऑब्जेक्ट करना चाहते हो ताकि उनके डिसिपल वो वापस से एक्सेप्ट ना कर पाए? और ये बोलने वाली कोई और नहीं, पर्पल क्लाउड पीक की पीक मास्टर जंग यूरेन होती है। उसकी इतनी बात सुनने के बाद जाती है ये दिंग त्यानन उससे कहने लगता है कि तुम कह रहे हो कि मैं बहुत ज्यादा दूर तक जा रहा हूँ, लेकिन किस तरीके से? जैसा कि तुम देख सकते हो जो जुओ लिंगलांग है वो पूरी तरीके से क्रेजी है काफी ज्यादा सालों से, और इसने काफी ज्यादा क्वालिफिकेशन भी खो दी है पीक मास्टर होने की। और तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि यहाँ पर कोई भी ऐसा बेवकूफ डिसिपल नहीं होगा जो कि आउटर सेक्ट में शेयर करने के लिए हमारे पास पहले तो काफी डिसिपल नहीं होंगे, और जो पीक मास्टर जुओ है वो इनके लिए बेटर रहेगा कि वो इस फन को ज्वाइन ना करें। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं जूनियर ब्रदर जुओ उसके अजूरा क्लाउड पीक पर लुकडाउन करने में लगा हुआ हूँ, लेकिन अगर सभी के सभी लोगों को चॉइस करने का मौका दिया भी जाए ना, तो मैं इसकी गारंटी लगा सकता हूँ, बेटर रख सकता हूँ, कोई भी आउटर सेक्ट का जो डिसिपल है वो पास भी कर जाएगा तो एग्जामिनेशन को पास करने के बाद भी उसे चूज नहीं करेगा, और कोई भी सिंगल पर्सन अजूरा क्लाउड पीक में नहीं जाने वाला। आखिरकार कौन ऐसे बंदे को चूज करने वाला है कल्टीवेट करने के लिए जिसके जो पूरे पूरे जो माउंटेन डिसोलेट पड़ा होगा? तो मुझे खुद बताओ पीक मास्टर जी। ये बात सुनकर वो उससे कुछ भी नहीं कहती, उसे इग्नोर कर देती। और तभी यहाँ पर दरवाजा खुलता है और प्रिंस जोर से चिल्लाती है और कहने लगता है कि वो सभी से लोग यहाँ पर आ चुके हैं, जिसको देखकर वो दिन काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहने लगता है कि ये इतना शोर क्यों मच रहा है। और वहाँ पर कई सारे डिसिपल एक साथ आ जाते हैं तो सभी के सभी पीक मच्चर शॉक होते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है ये सब, और यहाँ पर इतने ज्यादा लोग कैसे आ चुके हैं, क्या वाकई में इतने ज्यादा लोगों ने इतने डिसिपल्स है जिसने इस बार के एग्जामिनेशन को पास कर लिया है? और पीक मास्टर जियांग भी इसको देखकर काफी सरप्राइज हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये तो इम्पॉसिबल है। मैं मान लेते अगर यहाँ पर कुछ डजन लोग होते जो कि पास कर पाते और प्रीवियस ईयर के मुकाबले में ये जो लोगों की संख्या है वो बहुत बहुत ज्यादा है, तो प्रिंसेस भी शॉक होती है, उससे कहने लगती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत गया है कि इस असेसमेंट के साथ। तो दिंग त्यानन चिल्लाती है उससे कहने लगती है कि जरा एक मिनट रुको, तुम सभी के सभी लोग वहीं पर रुको और बताओ मुझे कि यहाँ पर क्या चलने में लगा हुआ है। तभी घबराते लगते हैं और सभी के पसीने छूट जाते हैं डर के मारे, और बंदा कहने लगता है कि मैं रिपोर्ट करना चाहूँ पीक मास्टर को, हमने सभी लोगों ने फर्स्ट स्टेज को पास कर लिया है एग्जामिनेशन को और हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं पास करने के बाद। तो प्रिंसेस शॉक होती है उससे कहने लगती है कि तुम कह रहे हो तुमने पास कर लिया एग्जामिनेशन को? तो बंदा कहने लगता है कि हाँ हमने कर लिया, लेकिन इस बंदे को यह बात हजम नहीं होती और चिल्लाते उससे लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, इस बार का जो एग्जामिनेशन है वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट है प्रीवियस ईयर के मुकाबले में, तो ये इम्पॉसिबल है तुम सब इतने ज्यादा डिसिपल्स को पास करने के लिए वो भी एक साथ, मुझे तुम जल्दी बताओ कि आखिरकार तुमने ये किया तो किया कैसे? डर के मारे इस बंदे की फट जाती है, अब दूसरे का ऑप्शन नहीं बचता इसके पास बताने के अलावा, तो घबराते घबराते बताने लगता है और कहने लगता है, लेकिन जब वो इसमें घबरा रहा होता है तो वो पीक मारता चिल्लाता है और उससे लगता है कि डिंग तुम इस तरीके से बकवास करना बंद करो और जो तुम्हें कहना है वो जल्दी से कहो। तभी बताने लगता है कि सिचुएशन कुछ इस तरीके से है और एक्सप्लेन कर देता है, और जब सारी सिचुएशन एक्सप्लेन हो जाती है तो इस बंदे की कदम सड़क जाती है, उसका पारा बहुत ज्यादा पड़ जाता है और चिल्लाते उससे लगता है कि वो सभी के सभी लोग एलकेबी हॉल के जितने भी डिसिपल्स है वो पूरी तरीके से लॉलेस हो रखे हैं, क्या वो एग्जामिनेशन किसी मजाक की तरह बना रखा है? डिसिपल एलकेबी हॉल के कहां पर हो तुम सभी के सभी लोग? तो सैटी यहां पर आता है उससे लगता है कि पीक मार्शल हम लोग यहां पर, और एलकेबी हॉल के डिसिपल आपका सल्यूट करते हैं, लेकिन इस बंदे का तो पारा पहले से गर्म होता है, तो चिल्लाते उससे लगता है कि तुम यहाँ पर हमारे इस एग्जामिनेशन को किसी बिजनेस की तरह ट्रीट करने वाले हो, ये जो पीक मास्टर है उसको तुम अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं समझते हो, और ऐसा मैंने कभी भी नहीं सुना है अपनी लाइफ में, तेरी मारी हिम्मत कैसे हो ऐसा करने की, जल्दी से कोई यहाँ पर आओ और इस सभी के सभी लोगों को एवरग्रीन मोटर सेक्ट से जल्दी जल्दी एक्सपेल तो कर दो जरा। ये बात सुनकर जी फैटी काफी शॉक हो जाता है और उससे लगता है कि जरा एक मिनट रुको, आप ऐसा कैसे कर सकते हो पीक मास्टर, आखिरकार आप हमें इस तरीके से एक्सपेल कैसे कर सकते हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? जिसको सुनने के बाद वो बंदा चिल्लाते हैं उससे लगता है तुमने यहाँ पर डिस्टर्ब किया है सेट के एग्जामिनेशन को, और जो पीक मास्टर है वो पूरे के पूरे एवरग्रीन इमोर्टल सेट के अनुसार उनके जरूर एवरग्रीन इमोर्टल सेट के बदले में तुम्हें एक्सप्लेन करने में लगा हुआ है इस सेट से। इसको देखकर हमारा जो फैटी है वो उससे कहने लगता है कि पीक मास्टर एवरग्रीन इमोर्टल सेट के जो रूल्स है वो काफी स्ट्रिक्ट है और एक्सप्लेन करने के लिए डिसिपल्स को यूजली रिक्वायर करता है कम से कम उसे अवॉइड किया हो किसी रूल्स को या फिर सेट मास्टर के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, और जहां तक मुझे पता है कि हमारा जो डिसिपल है उसने डेलीगेटेड एल्केमी हॉल में इस पूरे के पूरे सालों में सभी के सभी रूल्स को मेमोराइज कर रख लिया, और मैंने कभी भी किसी भी प्रकार के कोई भी एवरग्रीन मोटर सेट के रूल्स को नहीं तोड़ा। इसको देखकर वो एल्डर खड़ा होता है पीक मास्टर खड़ा होता है उससे लगता है कि तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि तुम इन सेट का रूल का इस्तेमाल कर सकते हो उस पीक मास्टर को प्रेशर करने के लिए, लेकिन तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि जो पीक मास्टर है वो तुमसे निपट नहीं सकता? चलो ठीक है, अब मैं तुमसे कहता हूँ, क्या तुम्हें पता है कि हमारे एवरग्रीन इमोर्टल सेक्ट में यहाँ पर एक और रूल है, अगर 5 में से 3 पीक मास्टर एक साथ एग्री हो जाते हैं तो वो सेक्ट मास्टर के भी रूल को बाईपास कर सकते हैं और बिना किसी परेशानी के भी किसी भी डिसिपल को एक्सपेल कर सकते हैं।
तो तुम सभी के सभी बिग मास्टर मुझे बता कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते, आपको क्या लगता है कि हमें इसे एक्सप्लेन करना चाहिए। तभी प्रिंसेस पीछे से चिल्लाती है और उससे लगता है कि मुझे लगता है कि ये सभी के सभी जो एल्केमी हॉल के डिसिपल्स हैं वो काफी तो इंटरेस्टिंग है, तो मुझे लगता है ये काफी पिटी वाली बात होगी अगर हम इसे एक्सप्लेन कर देंगे इस तरीके से, तो मुझे लगता है कि इन्हें यहीं पर रहना चाहिए। तो दूसरा बंदा उससे लगता है कि ये काफी तो कनिंग और काफी तो डिसाइडफुल लोग हैं, नेचुरल सी बात है हमें नहीं रख सकते यहाँ पे। तो ये बंदा क्या लगता है कि पीक मास्टर जैंग हमेशा से स्ट्रिक्ट रही है डिसिपल को डिसिप्लिन करने के लिए और वो कभी भी ऐसे कामों को टॉलरेट नहीं करने वाली, और मैं उम्मीद करता हूँ, इतना भरोसा है मुझे मेरी मदद करेंगे उसे एक्सप्लेन करने में कुछ डिसिपल्स को। जिसको देखकर पीक मास्टर जैंग उसको कहने लगते हैं कि मैं इसके बदले में, जबकि सबके सब जो डिसिपल्स हैं वो एल्केमी हॉल के डिसिपल्स हैं, उन्होंने एग्जामिनेशन को पास कर लिया है और कभी भी किसी भी कोई भी रूल को वायलेट नहीं किया है, तो मुझे लगता है कि इन्हें यहाँ पर रहने का मौका दिया जाए और कल्टीवेट करने का मौका दिया है इन वेरियस पीक्स में। और मन में सोचते दूसरी तरफ कहने में लगी हुई थी कि जो ये शेंग है वो सीनियर ब्रदर जुओस का जूनियर है और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि क्या हो, लेकिन मैं इसे प्रोटेक्ट जरूर करूंगी सीनियर ब्रदर जुओ के सेक के लिए। लेकिन जब ये बात इस बंदे को पता चलती है, पीक मास्टर को इतना शौक होता है कि शौक के मारे मुंह फटक फट रहा था इस बंदे का, भाई इसके सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह गया ऑलरेडी। और यहाँ पर दो में से दो तो वोट आ जाते हैं और आखिरी एक वोट बचता है डिसाइड करने के लिए, और कहने लगता है कि अब ये सारी की सारी सिचुएशन डिपेंड करती है पीक मास्टर जुओ के एटीट्यूड पर। लेकिन पीक मास्टर जुओ घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो अपने एप्पल्स खाने में लगा हुआ होता है और कहने लगता है और उससे पूछ लगता है कि जुओ लिंगलांग यहाँ तो वो कोई ह्यूमन है ना ही वो कोई गोस्त है, आखिरकार किस तरीके का एटीट्यूड होगा इस बंदे पे। लेकिन जुओ लिंगलांग उसको वो जो एप्पल खाने में लगा होता है वो उसके सर पर जोर से फेंक के मारते, इस कारण उस बंदे को काफी गुस्सा आ जाती है और उससे गालियां देते हुए उससे लगता है कि तुम बास्टर कहीं के, तूने मुझे हिम्मत कैसे मारने की। तभी जुओ लिंगलांग उससे कहने लगता है कि तुम हो रियल बास्टर यहाँ पे, जिससे कि इस बंदे का दिमाग खराब हो जाता है और उससे कहने लगता है कि जुओ लिंगलांग क्या तुम क्रेजी हो, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है। तो पीक मास्टर जैंग वहाँ पर खड़ी होती है और उससे कहने लगती है कि पीक मास्टर डेंग क्या आप ये वापस में भूल चुके हो कि जो सीनियर ब्रदर जुओ है वो वाकई में क्रेजी है और वो पागल है मेंटल है। अब तुम, मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा कहीं तुम इस मेंटल को यानी कि इस मैडमैन को बुली तो नहीं करना चाहते हो, और वो अपनी इज्जत बचाने के लिए वापस से बैठ जाता है और उससे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि क्या। लेकिन जो पिल रूम के जो जितने भी डिसिपल लोग हैं हम उन्हें एक्सपेल करके रहेंगे इस एवरग्रीन इमॉर्टल सेक्ट से, लेकिन जब वहां तक करने में लगा होता है तो कभी तभी आकर कोई उन पर पानी फेंक देता है, और पानी फेंकने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं जुओ लिंगलिंग होता है। उसे फेंकने के बाद बिगाड़ने के बाद जोर जोर से हंसने लगता है, जिससे कि इस बंदे को काफी गुस्सा आ जाती है और वो उसके बाद अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और क्या लगता है कि जुओ लिंगलिंग क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो यहाँ पे। लेकिन जुओ लिंगलिंग उनको पागल बनाता है और उससे लगता है कि तुम बास्टर्ड हो एक नंबर को, मैंने इस बास्टर्ड को गुस्सा दिला दिया, मजा आ गया ये बास्टर्ड गुस्से में आ चुका है। जब ये शेंग इसके इस तरह के बिहेवियर को देखता है तो वो काफी कंफ्यूज और शॉक से भर जाता है और क्या लगता है कि सीनियर ब्रदर जुओ मुझे आपको देखकर तो ऐसा लगता है कि आप ये जान मूझ कर करने में लगे हुए, सही कहा ना। तभी वो डिंग चिल्लाते उससे लगता है कि भले तुम यहाँ पर पूछते कैसे क्रेजी, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आज तुम्हें यहाँ पर लेसन जा पर सबक सिखाना ही पड़ेगा, और वो फुल फोर्स में जुओ लिंगलिंग पर अटैक करने के लिए कूद पड़ता है। जब अटैक करने के लिए जाता है तो जो पीक मास्टर जियांग है वो उसे बचाने के लिए आगे आती है और चिल्लाते उससे कहते हैं कि डिंग त्यानन क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो चुका है, तुम सीनियर ब्रदर जुओ को मारने चाहते हो। लेकिन वो डिंग त्यानन पूरी तरीके से उसे इग्नोर कर देता है और अटैक कंटिन्यू रखते हुए मन में सोचते हुए अटैक करते हुए उससे कहता है कि अगर जो जुओ लिंगलांग है वो सडनली रिटर्न वापस नहीं आया होता तो जो ब्लैक क्लाउड पीक है वो आज तक मैंने अजूरा क्लाउड पीक को आसानी से अनेस्ट कर लिया होता, अपने ऑब्जर्व कर लिया होता, लेकिन इसने मेरे सारा के सारा प्लान की ऐसी की तैसी मार रखी है। अगर वाकई में ऐसी बात है तो अब मुझे ब्लेम मत करना कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को फायदा उठाऊंगा तुमसे निपटने के लिए, और वैसे भी अगर मैडमैन मर जाता है तो वही बेटर रहेगा, और फुल फोर्स में अटैक करने की कोशिश करता है और कहने लगता है किसी को फर्क पड़ता है इसके मरने के बारे में। तभी पीक मास्टर जियांग पीछे चिल्लाते उससे कहते हैं सीनियर ब्रदर जुओ जरा देख कर, लेकिन वो बंदा तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि हमारा जो जुओ लिंगलांग है उसने एक ही पंच में उस पूरे के पूरे डिंग त्यानन को बहुत ज्यादा दूर फेंक दिया होता है एक पंच में, और कहते हैं हीरोइक पोज मार रहे होते हैं भेजने के बाद। ये बात सुनकर वो बंदा काफी शॉक होता है डिंग त्यानन और कहने लगता है कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये सब क्या चलने में लगा हुआ है, और इस बंदे की जो कल्टीवेशन है वो अचानक से इतनी ज्यादा हाई कैसे हो सकती है, मुझे इस बात पर बिल्कुल भी पूरा भरोसा नहीं हो रहा है, मुझे ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है, मैं कैसे कर लूँ इस बात को हजम, तुम ये बता लो। जब पीक मास्टर जियांग इसको इस तरीके से मार खाते हुए देखते तो वो काफी शॉक हो जाती है और उससे लगता है कि ब्रदर क्या तुम ठीक हो, लेकिन जुओ लिंगलांग अभी भी यहाँ पर पागलों जैसी हरकतें करना जारी रखता है और वो गोल गोल रहने कितना कितना पानी घूमते घूमते उस बंदे के पास चला जाता है और डिंग त्यानन से कहने लगता है कि मजा आ गया तुम वापस से आओ मुझसे मार खाने के लिए, मुझे तो कतई मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। तभी पीक मास्टर जियांग उससे कहने लगती है कि डिंग त्यानन जो सीनियर ब्रदर जुओ है वो ऑलरेडी तुम्हें पता है कि वो किस तरीके की हरकतें करते हैं, उनका दिमाग कुछ तरीके से खराब हो चुका है, लेकिन तुम अभी भी उन्हें इस तरीके से बुली करने के बारे में सोचने में लगे हो, ये तुमसे मुझे बिल्कुल भी इस तरीके की उम्मीद नहीं थी, तुम तो एक नंबर के गिरे हुए इंसान हो, क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल भी तुम पर अटैक करने के बारे में नहीं सोचूंगा और इस तरीके से तुम उसे बुली करोगे और मैं तुम्हें कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगी। ये बात सुनने के बाद डिंग त्यानन उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहने लगता है कि जो पीक मास्टर है उसने अभी तक किसी भी तरह कोई भी एडवांटेज हासिल नहीं किया इस मैटर में, तो तुम आकर तुम ये कैसे कह सकती हूँ कि मैं इस बंदे को पूरी तरीके से बुली करने में लगा हूँ, तो पहले तुम तो ये बताओ मुझे। तभी जुओ लिंगलांग पीछे से चिल्लाते हैं उसको तो लगता है कि कम ऑन यू बास्टर्ड कहीं के आओ खेलो मेरे साथ खेलो। भाई साहब ये तो इसे छेड़ने में लगा हुआ है, फुल्ली पावर का इस्तेमाल कर रहा है, अब बताओ यहाँ पर कौन किसको बुली कर रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा। लेकिन इसकी इतनी बकवास सुनने के बाद भी जो डिंग त्यानन अपने इमोशन को कंट्रोल करता है और उससे लगता है कि तुम एक नंबर के क्रेजी फूल हो,
तुम जल्दी से मेरी आंखों के सामने से गेट लॉस हो जाओ, पहली फुर्सत में निकल लो, मुझे तुमसे बिल्कुल भी नहीं निपटना, बात भी नहीं करनी तुझे से तो। लेकिन जुओ लिंगलांग को उससे चैन नहीं मिलता और वो वापस उस पर कूद कर अटैक करते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हें मेरे साथ खेलना होगा, तुम आओ मेरे साथ प्ले करो। जिसको देखकर दिंग ता नन भी अपने फुल फोर्स का इस्तेमाल करने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम मुझसे दूरी रहो तो बेटर रहेगा। लेकिन पता चलता है कि जो जुओ लिंगलांग है वो उसकी कनपट्टी में एक जोर से खींच के बजाता है, इसकी कनपट्टी लाल पड़ जाती है। वो कितने ही पावरफुल अटैक का इस्तेमाल कर ले जुओ लिंगलांग के खिलाफ, लेकिन वो उसका उसको हराने में नाकामयाब रहता है। लेकिन एक ही अटैक में इस दिंग तान तान की कैसी हो जाती है, वो जमीन में जाकर घुस जाता है, क्योंकि जो लिंग लांग है वो उसके ऊपर चढ़कर उसकी कनपट्टी में फिर से बजाना चालू कर देता है और उससे कहने लगता है कि तुम मेरे साथ खेलोगे या नहीं खेलोगे। लेकिन वो दिंग तानन उससे मना करते हैं, उससे कहने लगता है कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं खेलना, तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन जुओ लिंगलांग उसकी फिर से बजाना चालू कर देता है जोर जोर और बैक टू बैक उसे हिलाना चालू कर देता है और उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें जब तक मारने वाला हूँ जब तक तुम मर नहीं जाती, जू बाछ कहीं के। और जहाँ पर पता चलता है ये लोग सभी के सभी बागे के जो पीक मार्शल्स होते हैं वो काफी घबरा जाते हैं और कंफ्यूज होते हैं कि समझ नहीं आ रहा होता कि अगर कौन किसको यहाँ पर बुली करने में लगा हुआ है, यहाँ पर तो सिचुएशन कुछ और हो रखी थी अब कुछ और हो रखी है। और जब ये शंग उसको देखता है तो वो पूरी तरह से कंफ्यूज और उसके सीनियर पूरी तरह से कंफ्यूज और मन में सोचते हुए कहने लगता है कि जो मार्शल अंकल जू है वो वाकई में अगर तुम इतने ज्यादा क्रेजी हो भी तो तुम इस तरीके से किसी बंदे को बार बार एक ही जगह पर स्पॉट पर पीट नहीं सकते भाई, तुम इस तरीके से बुरी तरीके से पीटने में लगे हो, तुम्हें पता भी है और मुझे तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुमने ये जानबूझकर किया है, सही कहा ना। और इतनी मार खाने के बाद इस बंदे की हाल ही हालत खराब हो जाती है कि बहुत ज्यादा दुखने में लगा हुआ है और चिल्ला चिल्ला कर वो अपनी सीट पर वापस चला जाता है और मार खाने के बाद खून निकलने के बाद कहने लगता है कि ये पूरी तरीके से अनरीजनेबल है, ये एब्सोल्युटली आउटरीच ये सिचुएशन। तो पीक मास्टर जुओ लिंगलिंग भी अपनी सीट पर चला जाता है और उससे कहने लगता है कि काफी ज्यादा मजा आया, तुम बात कहीं के मैं तुमसे खेलने के लिए वापस जरूर आऊंगा। लेकिन वो दिंग तानन उससे कहने लगता है कि जुओ लिंगलांग जो पीक मास्टर है दिंग तान नान वो तुम्हें एक मैडमैन समझता है और वो तुम्हारे साथ कभी भी तुम जैसे लेवल पर खड़ा नहीं होगा तुमसे खेलने के लिए, लेकिन तुम अपनी किस्मत को और ज्यादा आजमाने की कोशिश मत करना। और मन में सोचते हुए दूसरी तरफ कहने लगाता है कि जो जुओ लिंगलांग की कल्टिवेशन है वो एक्चुअली मुझसे काफी ज्यादा हाई है, कैसा पॉसिबल हो सकता है कि वो टॉप फ्लोर में जाने के कारण इसकी कल्टिवेशन लेवल काफी बढ़ चुकी है। जब इन सभी की फालतू की फाइट चली रही होती है तो प्रिंसेस बीच में बोलती है और उससे कहते हैं कि पीक मास्टर मेरी बात ध्यान सुनो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि कितने देर में कई सारे डिसिपल्स हैं हमें देखने में लगे हुए हैं, तो तुम्हें ही लगता है कि हमारी जो चूज करने की प्रोसेस है पीक की उनको स्टार्ट कर देना चाहिए और उन्हें एक मौका देना चाहिए कि किधर जाना चाहते हैं वो लोग। तभी वो कहने लगता है दूसरा वाला पीक मास्टर का, अब जबकि जो डिसिपल्स है उन्होंने ऑलरेडी पास कर लिया है तो अब हमारे पास कोई भी चारा नहीं बचा हुआ है, तो हम ओनली फॉलो कर सकते हैं प्रोसीजर को, डिसिपल चूज करें अपने पीक को अपने कल्टीवेशन के लिए फ्यूचर के। लेकिन इस दिन तानन को बिल्कुल भी चैन नहीं आता और वो कहने लगता है कि ये काफी अच्छा ठीक है, समय आ चुका है चूज करने का, लेकिन जुओ लिंगलांग वो पागल हो चुका है, क्या हमें उसे डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए डिसिपल को एक्सेप्ट करने के लिए। जिसको सुनने के बाद पीक मास्टर जियांग खड़ा होती है और चिल्लाते हुए उससे कहने लगती है दिंग तियानन आखिरकार तुम्हारी सब कहने का मतलब क्या है, तुम कहना चाहती हो कि सीनियर ब्रदर जू है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते डिसिपल्स को, क्या तुम अभी भी यहाँ पर अभी भी उस ग्रीन क्लाउड यानी कि अजूरे क्लाउड पीक को अनेक्स करना चाहते हो उसके बारे में सोच रहे हो। ये बात सुनकर ये बंदा कुछ भी नहीं कहता और वहाँ पर बैठ जाता है और उससे कहने बाद में थोड़ा सोच कर साय कर उससे कहने लगता है कि आखिरकार एक मैडमैन है वो किस तरीके से डिसिपल को टीच कर सकता है सिखा सकता है, मैं तो बस सच्चाई कह रहा हूँ तुमसे। तो पीक मास्टर जियांग कहने लगते हैं कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग रूल है हमारे एवरग्रीन इमॉर्टल सेट का काफी समय से रूल चलता आ रहा है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि क्या होने वाला है जब तक जो डिसिपल है वो उस पीक को ज्वाइन करने के लिए तैयार है उससे सीखना चाहता है तो उसे उसको वेलकम किया जाएगा वहाँ, चाहे वो ग्रीन क्लाउड पीक को एक्सपेक्ट करे डिसिपल को या फिर ना करे, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये डिपेंड करता है सारे के सारे डिसिपल्स पर वो किस तरीके से चूज करते हैं उसको। इस बात को सुनने के बाद ये पीक मास्टर दिंग त्यान उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखूं कि आखिरकार इस मैडमैन को कौन अपना मास्टर बनाना चाहता है और इसके लुनाटिक के बीच में अंडर में कौन कल्टीवेट करना चाहता है और जो प्रोसेस है यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करना चाहिए अब इस प्रोसेस को। और सभी को अनाउंस किया जाता है कि जो भी पीक मास्टर से जो जिस भी पीक से आप सीखना चाहते हैं वो उसके सामने उस लाइन लगा ले और रजिस्टर करने के लिए तैयार आ जाए और आगे आ जाए। और जुओ लिंगलांग को घंटा फर्क नहीं पड़ता होता कि क्या सिचुएशन हो रखी है यहाँ पर। और इसी सरप्राइजिंग न्यूज के साथ मैं यहीं पर इस पार्ट को खत्म करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि कौन सी पीक कौन सा बंदा कौन सी पीक को ज्वाइन करने वाला है और धमाकेदार चीज होने वाली है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सुनारा एंड साइनिंग आउट।